अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह जी ठीक ठाक, आप सुनाए आप कैसे? जी तो शाम मैं करता हूँ चेक। वालेकुम सलाम। सदाम यंग होते जा रहे हैं यार, मैंने कटिंग करवाई है इसलिए आपको लग रहा हूं। पोस्ट में देख लेता हूं। वालेकुम सलाम, प्लीज अटेंडेंस मार्क करते जाए जैसे जैसे आप लोग आते जा रहे हैं, अटेंडेंस मार्क करते जाए। जेल नहीं है, बाल गीले हैं अभी। वेबसाइट रीडेबिलिटी इज पुअर, वो आपका रिलेटेड टू राइटिंग है, आपने पैसिव वाइज कुछ तरह की चीजें ज्यादा यूज की होंगी, उसमें सजेशंस आ रही हैं, आप उसको अपडेट कर सकते हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एसईओ वाइज आपका जो एसईओ स्कोर है वो इंपॉर्टेंट है। स्टाइलिंग जी उसने खुद ही बना दी है कटिंग करने वाले ने। कोई कर दे हेल्प, ये प्लीज ही बताएं हेल्प मांग रहे हैं। आपका नाम एक तो नजर नहीं आ रहा मुझे, तो नाम अपना विजिबल करें मुझे streamyard.com/facebook पे जाके। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अटेंडेंस मार्क कैसे करनी है यार अली चौधरी? आप मार्क कर नहीं रहे हो ऑलरेडी? फॉर्म अवेलेबल है ग्रुप के अंदर, टैग टॉप पे अनाउंसमेंट में लगा हुआ है, पिन हुआ है, तो उस पे जाके डेली बेसिस पे उसी पे मार्क करनी होती है अटेंडेंस। ये फॉर्म लिंक भी किसी ने सेंड कर दिया है। जैसा भी सेम क्वेश्चन पूछने कि आपकी आज फर्स्ट क्लास है क्या, मींस कि अटेंडेंस का आपने आज पूछा है। अटेंडेंस लोग मार्क कर लें प्लीज, कोई बंदा मिस ना करे। मैंने आपको पहले भी एक बार बोला हुआ है और ज्यादा भी हैं वो भी इसको इंडोर्स कर देंगे, अगर आप लोगों की अटेंडेंस शॉर्ट हुई, ज्यादा शॉर्ट हो रही है, जो लोग क्लासेस नहीं ले रहे थे, तो कोई रीजन बहुत जेन्युइन सॉलिड रीजन है, तो आप एप्लीकेशन दें उसकी ज्यादा आपको, वरना वो लोग आपको एक टाइम पीरियड के बाद ग्रुप से आउट कर सकते हैं, किक आउट कर देंगे, और उसके बाद आप जो मर्जी कहते रहेंगे दोबारा उन्होंने। जैसा आपको सबमिट कराएं ताकि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट ना हो, तो अटेंडेंस इज अ मस्ट। 80% अटेंडेंस आपकी चाहिए, आप सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो।
जी इफ्तखार को भी प्लीज हेल्प आउट करें, एक दूसरे की हेल्प क्या करें, अल्लाह ताला उसी का रिवॉर्ड देगा आपको इंशाल्लाह, और आपका अपना काम भी स्टार्ट होगा। वीडियो अच्छी हुई है आपको? चले कोशिश करें उसको कवर करने की, और आज सुबह तक भी लेक्चर था तो आज कोशिश कर लेनी थी, कुछ ना कुछ करना था। चले जी अब मैं लेक्चर स्टार्ट करने की तरफ जा रहा हूँ, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन वगैरह होंगे वो लास्ट में कर लेंगे। जहाँ साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे ना जो बल्कि मैं आपसे वैसे इन पर्सन बात कर लूंगा। तो क्लास के लिए न्यू फेसबुक आपने क्यों बनवाई है? आप वो पुरानी यूज कर लेते हैं? अगर आप सिंपल एक बना के इसको यूज करेंगे तो अगर उसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन प्रॉपर फिल आउट नहीं की हुई तो फेसबुक अक्सर ऐसा कर देता है, डिसेबल कर देता है। फीडबैक दिया करें लाजमी, उससे इश्यू नहीं होगा, लेकिन लाजमी करें प्लीज। पचास पेजेस का मतलब है कि वेबसाइट के ऊपर 50 आर्टिकल्स हैं, 50 पेजेस बने हुए हैं, तो हर पेज एक डिफरेंट कीवर्ड होगा, उसके कंटेंट के हिसाब से उसका अलग से मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन होंगी। तो आपको 50 पेजेस की 50 मेटा टाइटल 50 मेटा डिस्क्रिप्शन करनी पड़ेंगी, इमेज और टैग भी उनके अलग अलग करने पड़ेंगे, तो काम बढ़ जाएगा ना। तो जो मेन डिफरेंस होता है एसईओ के अंदर, वो नंबर ऑफ पेजेस पे इंक्रीज हो रहा होता है आपका काम। जी ये ऐसा ही आजकल चल रहा है, बच्चों की एंड हो रही है, पेरेंट्स की स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। निम्रा इंफॉर्मेशन फिल आउट करें अपनी मैक्सिमम, तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है ना वो ब्लॉक नहीं करेंगे आपको। अच्छा जी अभी मैं क्वेश्चंस लेना स्टॉप करने लगा हूँ, और मैं अभी जा रहा हूँ लेक्चर की तरफ, लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ ऑफिशियली प्रॉपर आज का, और उसमें ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हो गई है, 80 लोग आ गए हैं, अल्लाह करे ये नंबर बढ़े, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये नंबर ऊपर जाता है जो यहाँ पे स्टॉप हुआ हुआ है। तो खैर होपफुली कि आप लोग लेक्चर ले रहे होंगे, बाद में भी कुछ ले रहे होंगे, लेकिन अटेंडेंस का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेक्चर भी इसलिए तो अटेंडेंस का कहा गया कि विद इन द लेक्चर टाइम लगाओ ताकि आप लेक्चर लाइव लें। बहरहाल अच्छा जी ये हमने कल किया, ओपन ग्राफ मेटास जो रिलेटेड टू सोशल मीडिया शेयरिंग की जो आती है वो था, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का बताया कि एक वेबसाइट के ऊपर एक ही कीवर्ड के लिए एक से ज्यादा पेजेस नहीं बनाए जा सकते, वरना आप आपस में कंपीट कर रहे होगे, आपके पेजेस आपस में कंपीट कर रहे होंगे। तो उसके बाद फिर मैंने बताया ब्रोकन लिंक्स फिक्सेस, तो ब्रोकन लिंक्स के अंदर मैंने बताया कि किस तरह से इसकी रीजन क्या होती है, या तो कोई पुराना पेज डिलीट हो चुका होता है, या कोई पुराना पेज उसका यूआरएल, उसका परमालिंक, उसका स्लग चेंज हो चुका होता है, तो पुराने वाला ओपन नहीं हो रहा होता। ये रीजंस बनती हैं बेसिक, जो मेन रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपका ब्रोकन लिंक एग्जिस्ट करता है, तो उसको ठीक करना मैंने आपको बताया था। मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ई रोजगार बैच 11.000webhostapp.com/wp-admin, और शायद मुझसे लॉगिन ना मांगे क्योंकि मैंने कल ऑलरेडी कल से लॉगिन किया हुआ था, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये लॉगिन ऑलरेडी है मेरे पास, इसके अंदर मैंने आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करके बताया, मैं रीडायरेक्शन से ही स्टार्ट लूंगा क्योंकि रीडायरेक्शन के अंदर जो है ना मैंने एक मेथड आपको बता दिया था कि रीडायरेक्शन, आपको मैंने बताया कि दो रीजंस होती है, या पुराना पेज पोस्ट डिलीट हो गई है तो आप उसको कोई ओपन करेगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो 404 एरर, नॉट फाउंड एरर, लिंक डजेंट एग्जिस्ट एरर, इस तरह के एरर्स देंगे। लेकिन अगर उस पेज का, और दूसरा जो मैंने बताया वो ये था कि पेज का स्लग चेंज हो गया है, उसका लिंक चेंज हो गया है, पहले स्लैश के बाद कुछ आता था, मैंने कल आपको एग्जाम्पल करके दिखाई, तो लिंक चेंज हो गया है तो भी ये रीजन बनेगी कि दोबारा जब आप उसको ओपन करोगे तो वो ओपन नहीं हो रहा होगा पुराने वाला लिंक, क्योंकि वो लिंक चेंज हो चुका हुआ है,
वो प्लेस चेंज कर चुका हुआ है उसकी, उसको आपने रीनेम कर दिया है, उसका स्लग रीराइट कर दिया, तो इस वजह से पुराने वाला जो लिंक परमालिंक है वो काम नहीं कर रहा होगा। तो मैंने उसको ठीक करने का मेथड बताया, पहले मैंने वो बताया कि जो पुराने हैं और जो चेंज हो जाते हैं उसको कैसे ठीक करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल करवाया था रीडायरेक्शन के नाम से, और वो हमारे पास यहाँ पे टूल्स के अंदर लेफ्ट साइड बार पे टूल्स में रीडायरेक्शन का ये लास्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है, इधर से भी जा सकते हैं और इंस्टॉल प्लगइन्स में जाके भी आप लेफ्ट साइड से मतलब वहां पे सेटिंग में एंटर हो सकते हैं। तो मैं टूल्स में रीडायरेक्शन में गया, तो ये वो टूल था जो फर्स्ट टाइम हमने इसका छोटा सा सेटअप किया ताकि ये ऑटोमेटिकली जो पेजेस चेंज हो रहे हैं, जो परमालिंक्स चेंज हो रहे हैं, उनको फेच कर सके। तो वो इसने ऑटोमेटिक किया था, बट मैंने उनको डिलीट करके दोबारा वो करके बताया कि मेरे पास एक लिंक था, पुराना लिंक था, कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप, ठीक है। वो इस तरह से मतलब ये उसने स्टार्ट वाला वो साइट नहीं लगाई, मैंने आपको साइट लगा के बताई थी, मतलब मैंने ऐसे इसको ऐड किया था कि पुराना लिंक जो है उसको ऐसे ऐड करें, ये आपका पुराना लिंक था, इसको आपने चेंज किया, इसका जो स्लग था वो चेंज करके आपने कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप की बजाय कंट्रीज टू विजिट कर दिया। तो अब पुराना लिंक भी ओपन करेगा तो उसके पास ओपन नहीं हो रहा होगा क्योंकि वो तो उसका लिंक ही चेंज हो चुका हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसके पास ओपन हो, नया लिंक ऑटोमेटिकली हो जाए, कोई पुराना भी ओपन करे तो ऑटोमेटिकली नए लिंक पे आ जाए, तो सोर्स में मैंने बताया था पुराने वाला लिंक ऐड करते हैं कि सोर्स पे जिस पे क्लिक करे किया जा रहा है तो टारगेट जो फाइनल लिंक उस बंदे के सामने ओपन हो वो ये वाला हो जाए। तो इससे होता क्या है कि जिन लोगों के पास पुराने लिंक्स होते हैं, या आपने अगर 100 टाइम्स वो सोशल मीडिया पे शेयर किया हुआ है, आपने डिफरेंट प्लेसेस पे उसको शेयर किया हुआ है, तो जब उसे लोग क्लिक करेंगे बाय एनी चांस तो वो एरर नहीं देगा, वो क्या होगा ऑटोमेटिकली ये क्लिक करने पे ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा। तो लोगों को जो कंटेंट पहले नजर आ रहा था अब भी वही नजर आ रहा होगा, ठीक है, और उनको एरर पेज नजर नहीं आएगा, उनको नया वर्जन ऑटोमेटिकली वहां पे नजर आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी, गूगल के अकॉर्डिंगली इस लिंक की जितनी भी वर्थ होगी, जितना भी इसका अथॉरिटी होगी, इसकी वर्थ होगी, वो सारी के सारी ट्रांसफर होके इस लिंक पे आ जाया करेगी, क्योंकि आपने गूगल को बता दिया भाई ये पेज खत्म हो चुका है, परमानेंटली खत्म हो चुका है, अब ये वाला पेज है इसकी जगह पे, ठीक है। तो इसको ये जो रिडायरेक्शन अप्लाई करते हैं इसको बोलते हैं हम 301 रिडायरेक्शन। जब मैंने अप्लाई की थी तो ऐसे आया था, ये पुराना लिंक ये नए लिंक पे जा रहा है और कोड अभी लिखा हुआ 301। तो 301 एक रिडायरेक्शन की टाइप है, ये रिडायरेक्शन होती है परमानेंट, कि ये वाला पुराना लिंक परमानेंटली एक नए लिंक पे चेंज हो चुका हुआ है। तो गूगल जब 301 रिडायरेक्ट देखता है तो गूगल को पता लग जाता है कि पुराना खत्म, अब नए की बात है, तो पुराने की जितनी अथॉरिटी जो कुछ भी होगा वो नए को ट्रांसफर कर देगा, तो गूगल को भी समझ आ जाएगी, और प्लस एक आम पर्सन जो है वो भी ऑटोमेटिकली पुराने लिंक पे क्लिक करने पे नए पे ऑटोमेटिकली जा रहा है, तो उसको भी ब्रोकन लिंक नजर नहीं आ रहा, उसको एरर पेज नजर नहीं आ रहा, उसको कंटेंट नजर आ रहा है। तो आपको पता है कि जो लिंक वाला पार्ट है वो तो लोग इतना नोटिस भी नहीं कर रहे होते, नीचे पेज में उनको चीजें नजर आ रही है, तो दैट इज फाइन। तो यूजर एंड से भी सब कुछ ओके हो गया और गूगल को भी पता लग गया कि लिंक आपका मूव हो चुका हुआ है। अगर आप नहीं करोगे तो गूगल सर्च कंसोल आपको ये एरर देगा, भाई पुराना लिंक आपका पहले चलता था अब नहीं चल रहा, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। और टूल्स भी डिफरेंट हैं जिससे पता लग जाता है कि ब्रोकन लिंक्स हमारी साइट पे कितने हैं। लेकिन ये जो प्लगइन मैंने किया है ना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप अभी से ऑनवर्ड कोई पेज कोई पोस्ट जाके उसका अगर यूआरएल चेंज करोगे, उसका स्लग वगैरह चेंज करोगे, ये प्लगइन ऑटोमेटिकली उसको पिक करेगा उस चेंज को और यहाँ ऐड कर देगा। तो आपको आपको रिडायरेक्शन लगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा कि पुराने से नए पे लोग ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाए, तो लोगों को पुराने लिंक पे एरर पेज नजर नहीं आएगा। तो इस प्लगइन का मेन बेनिफिट ये है कि आपको मैन्युअली यहाँ पे आके बार बार ऐड शायद ना करना पड़े, कर भी सकते हैं लेकिन ना हो सकता है ना करना पड़े, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो चेंज कर रहे होगे वो ये फेच करता जाएगा, पुराने लिंक को सोर्स में रख लेगा, नए को टारगेट में, तो कोई लोग पुराना भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नए पे लैंड करेंगे, ठीक है। तो ये खुद ब खुद ही कर देगा, और कभी आपको मैन्युअली लगाना पड़े तो वो ये भी है कि सोर्स लिंक जिस लिंक पे क्लिक करना है, मतलब पुराना लिंक जो होता है वो सोर्स लिंक में ऐड करते हो, नया लिंक जो टारगेट जहां पे उसको लेके जाना है वो उसमें ऐड करते हो, और आप इस रिडायरेक्ट को ऐड कर देते हो। तो मैनुअल भी हो सकता है लेकिन यूजली ये आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा होगा। तो ये बात तो मैंने कर दी कल वाली, यहां तक मैंने कल बताया था। अब बात करते हैं, चलो पुराने नए की बात तो हो गई, जो पेज डिलीट हो गया अब वो पेज है ही नहीं, आपने न्यू ईयर की सेल लगाई, न्यू ईयर का एक पेज बना लिया, उसपे प्रोडक्ट्स पड़ी थी न्यू ईयर के रिलेटेड, 25% 50% ऑफ था, न्यू ईयर खत्म हो गया, एक मंथ चलेगा, एक मंथ के बाद अब आप प्रमोशन नहीं है वो, अब उस लिंक को आप डाउन कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो कि या उसको रिमूव कर रहे हो कि ये तो अब है ही नहीं, ये न्यू ईयर 2020 सेल थी या 2019 सेल थी, ठीक है, तो अब वो टाइम गुजर गया तो अब ये खत्म है, तो आप उस पेज को डिलीट कर देते हो।
हो गया क्या? पहले वो पेज प्रॉपर काम कर रहा था, सर्च में आ रहा था, लोगों को शेयर भी कर रहे थे। अब अगर उस पे जाकर क्लिक करेगा तो वो एरर पेज भी दिखाएगा कि पेज नॉट फाउंड, पेज डजंट एग्जिस्ट, पेज है ही नहीं। पेज कैसे होगा, पेज तो डिलीट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में क्या करोगे, उसका नया वर्जन तो है ही नहीं, अब क्या करोगे? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो पेज डिलीट हुआ है उसके रिलेटेड कोई पेज मेरे पास पड़ा हुआ है जहां मैं लोगों को लेके जा सकूं। अगर पड़ा है तो मैं उस लिंक को रखूंगा सोर्स में, जो पुराना लिंक है जो डिलीट हो चुका है न्यू ईयर का, और टारगेट में मैं अपना मेन जो शॉप का पेज है मेरा जहां पे जनरल प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है वो दे दूंगा, ताकि जब लोग क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली मेरी शॉपिंग वाला पेज जो है उस पर आ जाए, तो उनको एरर नजर ना आए। चलो उनको प्रमोशन तो नजर नहीं आ रही, बट उनको एरर भी नजर नहीं आ रहा, वो स्टिल प्रोडक्ट्स के पेज पे ही जा रहे हैं, तो काम ओके हो जाएगा। फिर ये प्लगइन भी यूज हो सकता है कि अगर उस पुराने लिंक को जिसको डिलीट कर चुके हुए हैं उसका कोई नया आपके पास वेरिएबल है, कोई नया उसके ऑप्शन है जिस पे लोगों को भेजा जा सकता है, तो आप ऐसे करेंगे कि पुराना लिंक रखेंगे यहाँ पे, जिस पे क्लिक करने करें तो लोगों को कहाँ लेके जाना है वो फिर आप टारगेट में रखेंगे। तो पुराना लिंक जो काम नहीं कर रहा वो सोर्स में आएगा, और टारगेट में आप वो लिंक लगा दोगे जहां पे लोगों को लेके जाना है कि पुराने पे क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली इस नए पेज के ऊपर लैंड कर लें। तो अगर वो पुराना पेज जो डिलीट हो चुका है उसका कोई नया वेरिएशन या कोई नया आपको पेज नजर आ रहा है कि लोगों को चलो अब यहाँ ले जाता हूँ ये उससे रिलेटेड ही है, फिर तो आप ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, सोर्स वाला और टारगेट वाला। सोर्स में पुराना, टारगेट में नया, जहां लोगों को लेके जाना है ऐड करो, रीडायरेक्ट अप्लाई हो गया, सिंपल काम। ठीक है, लेकिन अगर पुराने पेज का आगे कोई वाली वारिस नहीं है, पुराना पेज का आगे कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास, फिर क्या करेंगे आप? ये एक पॉइंट है कि पुराने पेज का आगे कोई है ही नहीं, बस वो पेज गया और अभी मेरे पास उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब लोग आ रहे हैं तो सिर्फ उनको ब्रोकन लिंक ही नजर आ रहा है, तो मैं उसको कैसे कैटर करूं? क्योंकि ब्रोकन लिंक जो होता है ना, जो ब्रोकन पेज होता है वो लोग उसको सही तरह से नहीं ले रहे होते, उसमें अनाइंग होता है, बड़ा इरिटेट कर रहा होता है, विजिटर का एक्सपीरियंस खराब करता है, उसका यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है, तो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उसके, तो ये एक मेन प्रॉब्लम आता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम पुराने पेज को ऐसे नहीं छोड़ देते कि पुराना पेज क्लिक करें तो वो नॉट फाउंड एरर ही आ रहा हो। हम क्या करते हैं, हमें जो रिकमेंड किया जाता है कि अगर 2, 4, 5, 7, 10 पेजेस ऐसे हैं जो ब्रोकन है, जो खत्म हो चुके हैं, जो डिलीट हो चुके हैं, उनको कैटर करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि उसको अपने होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवा दें। मीन्स कैसे, एक पेज था आपके पास ये, और यहाँ पे था उसमें पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑफर, कोई ऐसा कुछ था, आपने ऑफर एक लगाया या कुछ मामला थे, मैं एक सपोज कर रहा हूँ। ये पेज जो है ना, अब क्या कर रहा है कि ये एरर दे रहा है, मैं इस पेज को ओपन करता हूँ, स्लैश पाकिस्तान डैश ऑफर, ये पेज ओपन करते हैं, ये पेज कह रहा है नॉट फाउंड, ऊप्स दैट पेज कांट बी फाउंड, या 404 एरर, या ब्रोकन लिंक, लिंक डजंट वर्क, कुछ ऐसी बात कर देगा। तो ये देखिए पेज है ही नहीं पाकिस्तान ऑफर, समझ लो, सपोज कर लो पहले ये पेज था, पाकिस्तान ऑफर लगाई थी मैंने अपनी 14 अगस्त पे उसके आसपास, उसके बाद जब 14 अगस्त गई, अगस्त का मंथ गया, खत्म हो गई, खत्म होने के बाद मैंने पेज डिलीट कर दिया। अब पेज डिलीट किया तो गूगल भी उसको देख लेगा, सर्च कंसोल में भी एरर आ रहा होगा, और जो पुराना जहां जहां पे आप इसको शेयर करते रहे वहां पे भी अभी भी कोई जाके इसको क्लिक करेगा तो ऐसा पेज उसके सामने आ जाएगा कि भाई पेज तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक ये बैड यूजर एक्सपीरियंस है। आप क्या करते हो, आप कहते हो यार मुझे विजिटर को ना ब्रोकन लिंक नहीं दिखाने, ब्रोकन पेज नहीं दिखाना, वो इरिटेट होगा, तो मैं उसको क्या करता हूँ, कुछ ना कहीं भेज दूँ जो मेरी साइट पे कुछ ना कुछ है, मैं ना उसको ब्रोकन लिंक पे ना रहने दूँ। तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान ऑफर है ना, यहाँ पे कोई ऑफर प्रमोशन लगी हुई थी मेरे पास, अभी आजकल कोई और प्रमोशन चल रही है, या सारा साल जो प्रमोशन चलती है, या मेरा जो प्रोडक्ट्स का कोई पेज है, अगर ये प्रोडक्ट्स की साइट है, मैं इसको वहां पे भेज दूँ ताकि लोगों को ब्रोकन लिंक नजर ना आए, स्टिल कोई ना कोई प्रोडक्ट्स, कोई ना कोई चीजें नजर आ रही हूँ। और अगर कुछ नहीं मेरे पास तो मैं कहता हूँ चलो, अगर थोड़ी बहुत लिंक की बात है, 5, 7 लिंक की बात है, 10 लिंक की बात है, तो मैं फिर इसको होम पेज पे भेज देता हूँ ताकि होम पेज पे लोगों को कुछ तो नजर आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी ये सोर्स यूआरएल ये डिलीट हो चुका हुआ है, अब इसका कोई आगे मेरे पास अल्टरनेटिव नहीं है, तो पर मैं लोगों को ब्रोकन लिंक दिखाना नहीं चाहता, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सोर्स में ये रखता हूँ और टारगेट में मैं वो लिंक रखता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पे चले जाएं। तो मैं सिर्फ होम पेज का लिंक लगा देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ एड रीडायरेक्ट, ये एक आपका रीडायरेक्ट आ गया, पाकिस्तान ऑफर का पेज है जो होम पेज पे अब जाएगा। अब वही सेम पेज ये वाला जो है, इसको मैं दोबारा क्लिक करूंगा, सर्च करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो अब ये मुझे होम पेज पे ऑटोमेटिकली ले जाएगा। देखना, ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए मुझे होम पेज पे ले आया, डॉट कॉम मतलब मेन पेज के ऊपर ले आया। तो मैं असल में कौन सा वो अप्लाई कर रहा हूँ, पाकिस्तान ऑफर,
मैं ये सर्च कर रहा हूं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली मुझे होम पेज के ऊपर लेके आ रहा है, या कोई भी अल्टरनेटिव पेज जो मुझे समझ आता होगा कि इसके लिए मैं लगाऊं, मैं वो लगा सकता हूँ। तो होगा क्या कि विजिटर को ब्रोकर लिंक नजर नहीं आएगा, वो उसे कोई ना कोई कंटेंट का पेज नजर आएगा। तो बेस्ट अप्रोच ये होती है कि अगर आप कोई पेज डिलीट हो गया है, तो उसका कोई अल्टरनेटिव पेज अगर आपके पास है तो वहां पे उसको भेज दें, ताकि यूजर को कोई ना कोई कंटेंट देखने को मिले। और अगर यूआरएल चेंज हुआ है तो भी आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये रीडायरेक्शन को यूज करने के मैंने आपको एक दो मेथड्स बता दिए कि इन केस अगर डिलीट हो जाए तो कैसे करना है, और अगर यूआरएल चेंज हो तो कैसे करना है। पुराने वाले से को नए वाली चेंज यूआरएल के ऊपर रीडायरेक्ट करवा देना है। सोर्स में पुराना लिंक आता है और टारगेट में नया लिंक आता है, जो सोर्स में इनके जिसपे क्लिक किया जा रहा है और टारगेट के कहाँ पे जाके वो लैंड करे क्लिक करने पे। तो ये होती है रीडायरेक्शन। तो ये मैंने आपको दो सिनेरियोस बता दिए, ये समझ आई है यहाँ तक? यहां तक समझ आ गई है? ये आपका रीडायरेक्शन है। बताएं आपने इसे ओके करना है तो मैंने आगे मूव करना है। तो रीडायरेक्शन के दो सिनेरियोस के पेज का यूआरएल स्लग चेंज हो जाए तो क्या करना है, और पेज डिलीट हो जाए तो क्या करना है, मैंने आपको दो सिनेरियोस बता दिए। ये समझ आए हैं तो मुझे बताएं, और रीडायरेक्शन प्लगइन के अंदर ही मैंने दोनों सिनेरियोस बताए हैं आपको। क्लियर? क्योंकि आपका यूजर एक्सपीरियंस आपने खराब नहीं होने देना, वो यूजर समझेगा बड़ी बुरी तरह से मैनेज की हुई साइट है, कि कुछ यहाँ पे जाओ, मैं लिंक क्लिक कर रहा हूँ, आगे से एरर आ रहा है, मैनेज ही नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पेजेस पे एरर्स हैं, उनकी वेबसाइट पे एरर्स हैं। गूगल भी इस चीज को बुरा काउंट करेगा क्योंकि आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। जी, क्लियर क्लियर क्लियर, गुड हो गया। तो ये दो सिनेरियोज हैं जो आप कर सकते हैं। एक सिनेरियो और है, एक बड़ा सिनेरियो है। वो सिनेरियो क्या है? आपकी वेबसाइट के ऊपर अचानक से, या किसी क्लाइंट की वेबसाइट आती है, क्लाइंट से आपने वेबसाइट दी है, गूगल सर्च कंसोल दे दी है, या हमने अपना जो है ना वो उसके ऊपर रिपोर्ट रन की है, और हमें पता चला भाई लाइनें लगी नहीं है ब्रोकन लिंक्स की, लाइनें लगी नहीं है ब्रोकन लिंक्स की, 500 ब्रोकन लिंक्स फिर रहे हैं वहां पे, 500 700 ब्रोकन लिंक्स हैं वेबसाइट के ऊपर। मतलब हमें गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस हो गया, वहां पे भी देख सकते हैं, या हमने अपना एक ऑडिट टूल यूज किया और ऑडिट टूल के अंदर हमारी पूरी लिस्ट निकल गई आ गई। ऑडिट टूल्स का सारा मैं बताऊंगा इसको कंपाइल करते हुए, जैसे ये एक दो दिन में हम लोग एंडिंग की तरफ जाते हैं, तो वहां मैं ऑडिट के टूल्स भी शेयर करूंगा। तो क्या हुआ, हमें पता लगा कि भाई इसके तो 500 700 लिंक, 300 400 लिंक ऐसे हैं जो ब्रोकन है, और आप जब उसको देखते हो तो आपको पता लगता है कि इसमें से तो बहुत कम ऐसे हैं जिनका कोई नया वर्जन अवेलेबल है, या जिनमें स्लग चेंज है। ये तो वो पेजेस हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं, पहले ये थे वेबसाइट पे, अब डिलीट हो गए हैं। तो बिल्कुल लावारिस लिंक्स हैं, उनका कोई पता नहीं है कहाँ पे इसको भेजना है कहाँ पे नहीं भेजना, 400 500 1000 लिंक पड़ा हुआ है। अब 1000 को वन बाय वन करना भी बहुत टफ है। हाँ, अगर आपका उसका नया वर्जन आपके पास मिल जाए किसी तरह से तो आप जरूर करें, वो दी बेस्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ लिंक्स बीच में ऐसे हैं, सारा कुछ कर कर आके भी कुछ लिंक्स थे जिनके यूआरएल चेंज हुए, आपने यहाँ पे आके रिडायरेक्शन लगा दिया, बल्कि ये ऑटोमेटिक लगा देगा अगर वो वर्डप्रेस है। कुछ लिंक्स थे जहां पे आपको अपनी मर्जी से पुराने लिंक डिलीट हो चुके थे, नए लिंक्स पे लेके जाना पड़ा, वो भी आपने यहाँ पे आगे लगा दिए। अब कर करा के एंड पे आके 300 लिंक ऐसे बच गए हैं जो बिल्कुल लावारिस, लावारिस मींस के उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ से है, कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं है आपका। ठीक है, कोई चीज नहीं है उसके अंदर। अगर आपने शहबाज ये प्लगइन किया हुआ है, तो जब इस प्लगइन को करने के बाद, ये करने से पहले भी, जब आप कोई भी यूआरएल चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, फिर आपको खुद नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया हुआ तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपके परमालिंक चेंजेस हैं वो तो ऑटोमेटिक इंडेक्स हो जाएंगी, लेकिन कुछ जो पेजेस डिलीट हो चुके हैं उसके अल्टरनेटिव में नया पेज कौन सा देना है वो आपको मैनुअल करना पड़ेगा। तो जो पेज डिलीट हो गया उसके लिए ये ऑटोमेटिक नहीं लगाएगा, ये इस तरह लगाएगा कि पुराना पेज ये था, नया ये था, ये ऑटोमेटिकली फेच करके लगा देगा, स्लग चेंज वगैरह है। लेकिन अगर पेज डिलीट हो चुका हुआ है तो उसको कहाँ लेके जाना है वो आपको इसके ऊपर मैनुअल लगाना पड़ेगा। तो उसकी बेस्ट अप्रोच ये होती है कि जो लिंक डिलीट हुआ है उसके रिलेटेड किसी लिंक के ऊपर उस लिंक को ट्रांसफर कर दें, उसको उसको रीडायरेक्ट करवा दें। तो वो मैनुअल आपको करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये पाकिस्तान ऑफर के साथ करके दिखाया। जो परमालिंक चेंजेस होंगी वो ऑटोमेटिकली ये फेच कर रहा होगा। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन में कह रहा हूं कि भाई 300 लिंक्स, 1000 लिंक थे, मैंने उनमें से 200 लिंक जो है वो रेलिवेंट ऑफर्स पे सेंड कर दिए जो डिलीट हुए थे, 500 ऐसे थे जिनमें परमालिंक चेंजेस थी, मैंने उनको भी ठीक कर दिया। ठीक है, और अब 300 लिंक ऐसे बचे हैं जिनका मुझे कोई अता पता नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल ब्लैंक हूं मैं कि इसको कहां क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि लिंक कौन से हैं और कहां जाना है इन्होंने। तो
तो फिर मैं क्या करूंगा, अब ये मेन पॉइंट आता है, फिर मैं क्या करूंगा। किसी ने रिपीट बोला था तो मैंने दोबारा से सा दिया, थोड़ा सा रिपीट किया है। फिर भी कोई इशू हो तो ये वीडियो आपने फौरन बाद में देख लेनी, अगर आप लेट आए हैं या कुछ भी है तो इस वीडियो को दोबारा से फौरन यहाँ तक देख लेना है ताकि आप कॉप अप कर सको, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लेट हो तो फिर थोड़ा सा दोबारा देख लेना। स्क्रीन की सेटिंग वगैरह चेंज करें, वो जो क्वालिटी वगैरह होती है, क्योंकि मेरे मोबाइल में भी देख रहा हूँ, मेरे पास तो ठीक है। अच्छा, अब तीसरा सिनेरियो, 300 लिंक ऐसा है कि कोई पता नहीं है कहाँ लेके जाए, ना उसका कोई नया वर्जन नजर आ रहा है और ना ही उसका कोई रेलिवेंट हमें नजर आ रहा है किस पे भेजें। होगा ऐसा तो कुछ लिंक बिल्कुल ब्लैंक है, अब क्या करें जी, अब उन लिंक्स को कैसे डील करें, वो 300 लिंक का क्या किया जाए। तो उस सिनेरियो में आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप उन सारे लिंक्स को होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवा दो, विच इज नॉट रिकमेंडेड। 10 15 20 लिंक्स की बात होती तो मसला नहीं था, जैसे मैंने ये करवाया है, पाकिस्तान ऑफर है, उसको मैंने होम पेज पे भेज दिया, तो ऐसे कोई मसला नहीं था, 2 10 15 20 30 लिंक होते। अब लिंक से 300 लिंक अगर आप होम पेज पे रिडायरेक्ट करवा दोगे तो इतना ज्यादा लोड, इतने ज्यादा लिंक्स पॉइंट कर रहे होंगे आपके होम पेज के ऊपर, तो वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, वो एक बुरी प्रैक्टिस है। आपको क्या करना चाहिए, आपको एक कस्टम पेज बनाना चाहिए, एरर का जो ब्रोकन लिंक्स का कस्टम पेज बनाना चाहिए, और उस कस्टम पेज के ऊपर आपको काम, उसको डिजाइन करके अच्छा सा बना के उसके ऊपर लोगों को रीडायरेक्ट करवाना चाहिए। उन लिंक्स को जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, जिसका कोई पता था पता नहीं है, उन लिंक्स के लिए आपने जो थर्ड ऑप्शन है, पहला ऑप्शन पुराना स्लग जो है नए पे चला गया चेंज अगर हुआ है तो, सेकंड ऑप्शन डिलीटेड पेज है उसके रेलिवेंट पेज पे रिडायरेक्ट करवा दो, थर्ड ऑप्शन 10 15 20 लिंक की बात है तो अपने जो ब्रोकन लिंक्स है उसको होम पेज के ऊपर आप रिडायरेक्ट करवा दो, जैसे मैंने ये बनाया। लास्ट ऑप्शन ऐसे लिंक्स जिनका कोई पता नहीं चल रहा और लिंक्स बहुत ज्यादा है, 300 लिंक है, अब उसकी समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे कैटर करें, तो उस सिनेरियो में फिर आप एक कस्टम पेज बना सकते हो, एक नया पेज क्रिएट करोगे जिसको मैं कस्टम 404 पेज कहूंगा, कस्टम एरर पेज, कस्टम ब्रोकन लिंक पेज होगा, जो सिर्फ और सिर्फ ब्रोकन लिंक्स को कैटर कर रहा होगा, उन ब्रोकन लिंक्स को जिसका कोई अता पता नहीं है वो वहां पे लैंड कर जाएंगे। तो क्या होगा, आपके होम पेज पे प्रेशर नहीं आएगा इतने लिंक्स अगर उस पर पॉइंट कर रहे होंगे। तो फिर लास्ट एक ऑप्शन जो है ना, जो जिन लिंक्स का कुछ पता नहीं होता, उसके लिए हम कस्टम 404 पेज बना सकते हैं ताकि जब भी कोई ऐसा ब्रोकन लिंक हो वो ऑटोमेटिकली कस्टम पेज पे चला जाए। कस्टम मैं क्यों कह रहा हूँ कि उसमें अपनी मर्जी की चीजें मैं सेट करूंगा। अभी यहाँ पे जो पेज मैंने बनाया था ना पाकिस्तान ऑफर, अगर मैं यहाँ से रीडायरेक्ट को डिलीट करता हूँ ये पाकिस्तान ऑफर वाले को, और मैं यहाँ पे दोबारा आपको पाकिस्तानी ऑफर करके दिखाता हूँ, तो आपको मैंने दिखाया कि वो हमें एक ब्रोकन एरर दे रहा है, एक लिंक एरर दे रहा है। मैंने डिलीट कर दिया लेकिन अभी डिलीट हुआ नहीं है, कोई और बना के देख लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान स्पेशल या प्रमोशन प्रोमो, मैंने ऐसे कुछ कर लिया और मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो पाकिस्तान डैश प्रोमो का पेज था डिलीट हो चुका है, अब इसका कोई नया वर्जन नहीं मिल रहा, ठीक है। और बहुत ज्यादा लिंक इस तरह के हैं जिनको मैं होम पेज पर नहीं लेके आ सकता, अब इनके साथ क्या करना है, ठीक है, अब इनके साथ क्या करना है। तो ये लास्ट जो ऑप्शन है ना, ये आपने जरा बड़ा केयरफुली देखना है कि अब इनके साथ क्या करना है। अब आप क्या करोगे, एक कस्टम पेज बनाओगे। देखो ये जो पेज आ रहा है ना ऑटोमेटिकली, पाकिस्तान प्रोमो लगाया है, पेज डिलीट हो चुका है और ये आपके पास ब्रोकन लिंक आ रहा है, ये डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट पेज है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। ये जो एडिट यहाँ से डायरेक्टली मैं कहीं से भी नहीं कर सकता, सिंपल एडिट का ऑप्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है और एक ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ मैं अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिखूं, अपनी मर्जी का इमेज लगाऊं, अपनी मर्जी के ऑप्शंस दूं, मैं कैसा पेज बना लूं जिसपे चलो लोगों को गुस्सा आए लेकिन कम आए, मैं वहां पे उनसे अपोलोजाइज कर लूं, मैं उनसे सॉरी बोल लूं, मैं उनको अल्टरनेटिव कुछ ऑप्शंस दे दूं ताकि वो कुछ तो उनका गुस्सा डाउन हो। तो मैं बजाय एक ऑटोमेटेड जो पेज आ रहा है ब्रोकन लिंक का, मैं उसकी बजाय कोशिश करूंगा एक वेल डिजाइंड अपनी मर्जी का पेज बनाऊं जो उन लिंक्स को कैटर कर रहा हो जिसका अल्टरनेटिव मेरे पास नहीं है, तो मुझे अब ये ऑप्शन ऐड करना है, ठीक है जी। ऐड न्यू, अगर सिंपल रीडायरेक्ट लगाना है तो ये ऐड न्यू पे क्लिक कर दें, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे लेके आएगा, सोर्स में पुराना लिंक, टारगेट में नया लिंक, एन लगा दें। अब मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि आपके पास परमा लिंक चेंज हुआ आप वो भी यहाँ से लगा सकते हैं, पुराना लिंक है वो किसी नए लिंक पे मैनुअली करना है आपने वो भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन उन 200 300 पेजेस 400 पेजेस को कैटर करना है जिनका कोई अगला लिंक और नहीं है, हमारे पास कोई लिंक नहीं है, तो उनको 404 पेज पे वो जा रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको होम पेज पे लेके जा सकता हूँ, बट होम पेज पे लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारे लिंक्स डायरेक्ट हो रहे होंगे, तो मैं एक
अलग से पेज बना दूंगा जो सिर्फ और सिर्फ इन 404 एरर पेजेस के लिए होगा। वो पेज कैसे बनाना है, आपने क्या करना है, आपने आना है पेजेस में, ये पेजेस का सेक्शन आ रहा है, पेजेस में आना है ऐड न्यू में, आपने एक नया पेज ऐड करना है, स्टैटिक पेज ऐड करने लगा हूं मैं। ये अल्टीमेट ऑप्शन है, ये अगर एक बना दोगे तो जितने भी ब्रोकर लिंक से सारे इस पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये है कि गुड प्रैक्टिस ये है कि पुराना लिंक जो चेंज हो रहा है उसको अपने उसके नए लिंक पे रीडायरेक्ट करवाएं, जिस वाले लिंक का कोई रेलिवेंट लिंक अवेलेबल है उस पर रीडायरेक्ट करवाएं, जो बच कुछ जाए उसके लिए फिर कस्टम 404 पेज बना लें। ये मैंने आपको 125 पे जूम रखा हुआ है, ये ने और जूम कर दिया, ठीक है जी। तो यहां पे एड टाइटल में आके मैं लिखूंगा नॉट फाउंड या 404 पेज, तो मैं नॉट फाउंड कह रहा हूं, कुछ भी नाम रख लें, पेज नॉट फाउंड, 404 पेज, पेज डजंट एग्जिस्ट, कोई भी नाम रख लें। तो मैं पेज नॉट फाउंड का ऑप्शन दे रहा हूं। अब इसको देखिए, ये अब जिस तरह पोस्ट बनाई थी वैसी बनाना है, मैंने टाइटल दे दिया, टाइटल देने के बाद ये देखिए इसका लिंक जनरेट हो गया पेज नॉट फाउंड, और ये जो इसका सेक्शन है ना, जो इसका एडिटर है, यहां पे आके मैं अपनी मर्जी की अब चीजें ऐड कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं ओप्स द पेज यू आर लुकिंग फॉर डजंट एग्जिस्ट, वी रियली अपोलोजी, यहां बल्कि लेट अस चेक विद आवर डेवलपर्स ठीक है। सम टाइम लोग पता कर देते हैं, यहां पे इसको मैं भी खत्म कर रहा हूं एक दफा, या अक्सर लोग यहां पे देते हैं इट सीम्स वी नीड टू फायर सम ऑफ आवर डेवलपर्स, या वी नीड टू फायर आवर डेवलपर, सिर्फ एक थोड़ा आपको पता है ना वो ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, थोड़ा सा गुस्सा डाउन करने के लिए, क्योंकि बंदा यहाँ पे आया है तो उसके साथ एक जरा एक एक, एक फ्रेंकनेस एक मतलब हो जाए, क्रिएट हो जाए, क्योंकि एक चीज गलत हो रही है लेकिन हमने उसको ओवरकम करना है। तो अक्सर लोग यहाँ पिक्चर्स लगा देते हैं बल्कि कि हम लोग अपने डेवलपर को फायर करने लगे हैं, इस डेवलपर को हमने फायर कर देना है ठीक है, या लेट अस चेक विद आवर डेवलपर्स, मैंने तो सीधी बात लिखी है, लोग यहाँ लिख देते हैं इट सीम्स वी नीड टू फायर आवर डेवलपर ठीक है, ताकि ये हमारे डेवलपर का कसूर है, सारा कसूर उस पर डाल दिया। तो ऐसी कोई बात भी लिखी जा सकती है। इमेजेस भी बहुत सारे अवेलेबल हैं आपके 404 पेज के लिए, अगर आप गूगल पे जाएं, और यहाँ अगर मैं टेम्पलेट्स की बात करूँ, इमेजेस की बात करूँ, अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कस्टम, बल्कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ देखो फनी कस्टम 404 पेज, टेम्पलेट्स भी कह सकते हैं या मैं इमेजेस भी कह सकता हूँ, डिफरेंट तरह से हो सकता है। तो मैंने ये सर्च किया, ये सारी टेम्पलेट्स आ रही हैं, मैं इनको ओपन करके देख सकता हूँ, या फिर मैं इमेजेस में चला जाता हूँ, और इमेजेस में ये देखें किस किस तरह का इमेज आपको मिलेगा, और इमेज आपको मैंने बताया किस तरह लेना है, तो जो आपका फ्री पिक वगैरह है वहां से भी ले सकते हो आप। ये डिफरेंट इमेजेस आ रहे हैं, और यहाँ पे मैं टूल्स में जाके अगर मैंने इसको यूज करना है, यूज राइट्स में क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जो मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ से पिक कर रहे हैं तो ये भी हो सकते हैं, या फिर फ्री पिक वगैरह जो है वहां से भी आप जाके यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स, डिफरेंट तरह की एग्जाम्पल्स आपको मिलती हैं जिनको यूज किया जा सकता है ठीक है, पिक्चर लगाया जा सकती है। तो मैं अभी फिलहाल टेक्स्ट बेस्ड बना रहा हूँ, द पेज यू आर लुकिंग फॉर डजंट एग्जिस्ट, लेट अस चेक विद आवर डेवलपर्स, और साथ में वी रियली अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। या इन द मीन टाइम यू माइट want to look at some of the following resources ठीक है, ऐसे करके फिर नीचे आपका जिस तरह अगर होम पेज है उसके बाद होम के बाद आपका यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस है, या पहले आपके अबाउट अस है ठीक है, आपका ब्लॉग का पेज है, और इस तरह से आपके पास कॉन्टेक्टर्स है, मतलब डिफरेंट पेजेस जो आपके होंगे ना, आप उनके उनको यहाँ पे लगा के उनको लिंक कर दोगे, उनको ऐड करके उनको लिंक कर सकते हो ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको,
और इससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ उसको यहाँ पे मिलेगा देखने को। अब इनको मैं लिंक कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर होम पेज है वो ये है डॉट कॉम तक, सिर्फ ये पार्ट मैं इसको सिलेक्ट, और आपको लिंक लगाना आता है, होम को सिलेक्ट करें, इंसर्ट लिंक करें, और ये लिंक पेस्ट करके अप्लाई कर दें, तो ये एक लिंक लग गया। ऐसे अबाउट अस लग जाएगा, ब्लॉग का लग जाएगा, कॉन्टेक्ट अस का लग जाएगा, एक आधी इमेज भी एम्बेड कर सकते हैं कि सबसे पहले टॉप पे इमेज आए और फिर ये वगैरह लिखा हुआ नजर आ रहा हो, ठीक है, ताकि एक ना थोड़ा सा आप अपनी मर्जी से विजिटर को टैकल कर सको कि काम तो गलत हो रहा है लेकिन मैम किसी ना किसी तरह से इसको टैकल करें। टेक्स्ट सर, टेक्स्ट से नीचे उसको लिंक नहीं दे सकते कोई रेलिवेंट, तो मैंने लगा दिए काशिफ। असल में मेरा और आपका थोड़ा सा गैप होता है, मेरी आवाज और मेरा जो काम जो स्क्रीन है आप पे थोड़ी देर बाद पहुंचती है, तो शायद आपने कमेंट पहले किया हो तो मैंने वो बता दिया। तो नीचे हम इंपॉर्टेंट लिंक्स अपने जो हैं वो उसको रेफर कर देंगे, वो करने के बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे। लेकिन एक काम करना है, जो 404 एरर का पेज होता है ना, जिस तरह मैं ये 404 का पेज बनाया, मैंने कस्टम पेज इसको बोल रहा था, कस्टम मीन्स के मैंने कस्टमाइज अपनी मर्जी से बना सकता हूँ, मैं पिक्चर लगाऊं, मैं वीडियो लगाऊं, मैं यहाँ पे जो मर्जी लगाऊं, इट्स अप टू मी। तो इसलिए वो उस पेज को ना जो बाय डिफॉल्ट वाला है ये एडिटेबल नहीं है फिलहाल डायरेक्टली, तो इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ ताकि अपनी मर्जी का शो करवा सकूँ जिसमें अपनी मर्जी की हर चीज रखी हो, तो कुछ तो अपनी मर्जी से टैकल करूंगा मैं लोगों को। तो ऐसे एक लिंक्स लगा के बाकी भी, और मैंने इसको पब्लिश कर दिया। लेकिन पब्लिश करने के बाद आपने काम करना है, जो आपका 404 पेज है ना वो आपका इंडेक्स नहीं होना चाहिए, उसको गूगल में इंडेक्स नहीं होना चाहिए, इसका आपने रैंक थोड़ी करना होता है 404 का पेज, या ब्रोकन लिंक्स का पेज होता है वो हमने गूगल पे रैंक तो नहीं करना होता ना, तो इसको वहां पे गूगल पे हम जाने नहीं देते फिर। तो उसका आपको एक एक मेथड तो पता है रोबोट्स वाला, कि आप रोबोट्स में जाओ और वहां जाके ब्लॉक कर दो। ब्लॉक कैसे करोगे, डिसअलाउ कॉलन पेज नॉट स्लैश पेज नॉट फाउंड स्लैश ये लगाओगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, एक वो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास यूज्ड में है, यूज्ड में क्या ऑप्शन है कि ये पेज है, ये पेज बनाने के बाद स्क्रॉल डाउन करो, ये जो यूज्ड का ऑप्शन आ रहा है इसमें ये एडवांस्ड का एक ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल बॉटम पे, इस पे आप क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास कुछ ऑप्शंस ओपन हुए हैं जिसमें लिखा हुआ आ रहा है अलाउ सर्च इंजन्स टू शो दिस पेज इन सर्च रिजल्ट्स, अलाउ करने हैं, यस करंटली डिफॉल्ट मतलब जो है वो यस है, आप इसको कह दो कि नो मुझे इसको वहां पे नहीं शो करवाना। शुड सर्च इंजन फॉलो लिंक्स ऑन दिस पेज, तो इस पे जो लिंक्स पड़े हुए हैं इनको भी फॉलो करके यहाँ तक पहुंच सकता है, मैं कहता हूँ नहीं, तो नो फॉलो नो इंडेक्स हो जाएगा कि इसको आपने ना इंडेक्स करवाना है ना फॉलो करवाना है, तो ये नो नो करके आप सेव कर दोगे तो होगा क्या कि आपका जो ये लिंक है जो पेज नॉट फाउंड का, ये लोग तो विजिटर्स तो वेबसाइट पे देख सकेंगे लेकिन सर्च इंजन इसको डिस्कवर नहीं कर सकेगा कभी, इसका ये फायदा होता है। तो दो ऑप्शन मैंने बताए थे, एक रिपोर्ट्स वाला था, एक मैंने आपको जनरल सेटिंग्स में जाके रीडिंग में बताया था वो बॉक्स चेक हुआ होता है, और तीसरा ऑप्शन ये बता दिया है कभी फिर भी अगर कोई पेज ब्लॉक हो रहा हो आपका होम पेज या कोई पेज, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यहाँ से कहीं यूज्ड की सेटिंग में से तो नहीं है उसको ब्लॉक किया हुआ, और अगर ब्लॉक करना हो तो करना कैसे मैंने बता दिया, इंडेक्स को भी नो, सर्च इंजन अलाउ नहीं करना उसको, और फॉलो को भी नो कर देना है, तो नो फॉलो नो इंडेक्स ये करके सेव। अब सर्च इंजन इस पेज को डिस्कवर नहीं कर पाएगा, ये हमारे सिर्फ विजिटर्स देख सकेंगे। अब ये पेज अगर आप प्रीव्यू करें तो ये पेज आपको इस तरह का नजर आएगा, ये देखिए पे नॉट फाउंड ऑफ द पेज यू आर लुकिंग फॉर, और नीचे ये कुछ लिंक्स आ रहे हैं, अपनी मर्जी से पिक्चर लगा लो, डिजाइन जैसा मर्जी कर लो, इट्स टोटली अप टू यू कि आपने इसके अंदर क्या रखना है और क्या नहीं रखना, तो ये पूरा हमारे कंट्रोल में है, इसलिए मैं इसको कस्टम पेज कह रहा हूँ कि मैंने अपनी मर्जी का एक पेज नॉट फाउंड या पेज डजंट एग्जिस्ट या 404 का जो पेज है वो अपनी मर्जी का बना लिया। तो बनाने का मेथड हो गया ये, अगर पिक्चर वगैरह लगानी है पिक्चर लगाना भी आपको आती है, सब कुछ आपको आता है, बाकी जो पोस्ट हमने किया एड मीडिया पर जाओ पिक्चर लगा लो वो सब कुछ हम लोग कर चुके हुए हैं, तो इसलिए मैं उसको दोबारा पिक्चर वगैरह को रिपीट नहीं कर रहा। तो ये पेज बन गया, अब इस पेज को बनाने के बाद आपने एक छोटा सा काम करना है, वो काम क्या होगा, अब आप चाहते हो कि जितने भी वो पेजेस जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, कि कुछ पता नहीं है कि उसको कहाँ जाना चाहिए, और हम लोग उसको चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी के, अगर एरर पेज पे तो उन्होंने जाना ही जाना है, लेकिन वो एक सिंपल एरर पेज पे ना जाएं, वो जो मेरा अपनी तरफ से बनाया हुआ एक एरर पेज है उसके ऊपर जाएं, ताकि मैं लोगों को किसी तरह से टैकल कर सकूं कि ये क्यों इशू आ रहा है, या मैं उसको देखते हैं और उसमें कुछ रिसोर्सेज भी अपने अच्छे अच्छे दे सकूं जिनको शायद लोग क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे लैंड करें। थीम इस बार बहुत आगे जाके बताऊंगा, अभी नहीं, थीम का भी आपको बताऊंगा, थीम कैसे चेंज करते हैं, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स, लेकिन मैं आपको वैसे ही बताऊंगा ताकि आप अपना वेबसाइट छोटी मोटी बना सकें। तो ये पेज बनाना आ गया सबको, इस पेज बनाने तक किसी को कोई इश्यू है तो प्लीज मुझे बताएं। अगर ये पेज बन गया तो अब हमने इस पेज को सेट करना है एज डिफॉल्ट नॉट फाउंड पेज,
एज डिफॉल्ट ब्रोकन लिंक पेज, कि जब भी कोई पेज ब्रोकन लिंक हो तो बजाय इस पेज पे जाने के लोग ऑटोमेटिकली मेरे जो बनाए हुए पेज हैं इस पे जाएं। तो मुझे अब पेज चेंज करना है कि जो डिफॉल्ट ब्रोकन लिंक का पेज है उसकी बजाय लोग मेरे बनाए हुए पेज के ऊपर जाएं। तो अब ये अगला मेथड होगा, वो हमने बना लिया, अब हमने उस मेथड पे जाना है। तो मुझे बताएं कि यहां बनाने तक क्लियर है सारा, और ये मैं क्यों कर रहा हूं। मैंने आपको बोला पहला ऑप्शन कि जो लिंक का जो परमा लिंक चेंज हुआ है किसी भी लिंक का, उसके जो चेंज परमा लिंक है पुराने को नए पे रिडायरेक्ट करो, वो रिडायरेक्शन प्लगइन से की करके देखा हमने। मैंने बताया कि कोई पेज एग्जिस्ट नहीं करता, डिलीट हो गया है, तो उस पेज को उसके किसी रेलिवेंट पेज पे भेजो, पहला ऑप्शन। दो चीजें बता दी। थर्ड ऑप्शन कि ऐसे पेजेस जिनका कोई पता नहीं चल रहा क्या करना है, उनको फिर आप एक कस्टम 404 पेज बना के, कस्टम 404 कितनी मर्जी का बना के उसके ऊपर आप लोगों को रिट्रैक्ट करवाएं। समझ आ गया तो ठीक है। अब इसको डिफॉल्ट पेज सेट करना है कि जब ब्रोकन लिंक आए तो क्या हो कि बजाय इधर आने के, ये जो बाय डिफॉल्ट एक ब्रोकन लिंक पेज बना हुआ है, इधर आने की बजाय लोग जो हैं वो मेरे बनाए हुए पेज के ऊपर लैंड करें। अब मैं ये करना चाह रहा हूं। तो पेज तो बना लिया, पेज को इंडेक्स से भी निकाल दिया यूज की एडवांस सेटिंग यूज करके। अब बात आती है कि इसको डिफॉल्ट पेज सेट कैसे करना है। तो उसके लिए भाई एक प्लगइन है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि साइड पे आपको ये इसमें अब कंफ्यूज ना हो जाए कि साइड बार कैसी आ रही है मेरी। तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है ये प्लगइन्स का, आपने इस प्लगइन्स के ऑप्शन में आके ऐड न्यू पे जाना है। तो जैसे प्लगइन नया ऐड करते हैं तो एक छोटा सा प्लगइन हमें चाहिए, तो प्लगइन्स ऐड न्यू, और ऐड न्यू में ये मेरे पास सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे कस्टम 404 पेज लिख लो, कस्टम 404 लिख लो, कुछ भी लिख लो फातिमा, जो पेज भी कोई भी पेज जो सर्च इंजन से आप डी इंडेक्स करवाना चाहते हैं उस पेज के लास्ट में यूज्ड के अंदर एडवांस्ड का एक ऑप्शन आ रहा है, उसको क्लिक करके पेज को नो फॉलो नो इंडेक्स कर देना है। जैसे मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये पेज नॉट फाउंड था जो मैंने बनाया था, मैं पेजेस में गया, ये पेज नॉट फाउंड आया, इसमें चला गया, और इसमें ओपन करके बिल्कुल बॉटम पे इसके मैं जाता हूँ, ये लास्ट पे ये पेज है आपका नॉट फाउंड, इसको ओपन करके मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन टू बॉटम करता हूँ, बिल्कुल एंड पे जाता हूँ, तो ये आपके पास यूज्ड एसईओ आ रहा है। इसके अंदर बिल्कुल ये लास्ट पे एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस्ड का, इस पे क्लिक करें और यहां पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है अलाउ सर्च इंजन टू शो दिस पेज इन सर्च रिजल्ट्स। तो ये येस होता है बाय डिफॉल्ट करंट, आपने इसको नो कर देना है और फॉलो करें इसको भी नो कर देना है, तो आपका ये पेज अब इंडेक्स में नहीं आएगा, गूगल इसको नहीं डिस्कवर कर पाएगा। अच्छा अब बात हो रही है कि हमने इसको डिफॉल्ट पेज बनाना है, तो प्लगइन्स ऐड न्यू कस्टम 404 लिखा ही है मैंने, 404 पेज भी लिख लें, ये पहला ही प्लगइन आ रहा है, और बहुत सारे प्लगइन है, ये भी यही काम कर रहा है, ये भी यही काम कर रहा है, सब प्लगइन्स यही काम कर रहे हैं। मैं वो प्लगइन हमेशा यूज करता हूँ जिस प्लगइन के इंस्टॉलेशंस एक तो रेलिवेंट हो, इंस्टॉलेशंस अच्छी हो, फीडबैक्स अच्छे हो, अपडेट हो रहा हो प्रॉपर, तो वो प्लगइन यूज करना होता है। तो ये 404 पेज योर स्मार्ट कस्टम 404 एरर पेज, इसको आपने इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर देना है, और इसके अंदर सिर्फ उस पेज को सिलेक्ट करेंगे तो वो डिफॉल्ट पेज सेट हो जाएगा, छोटा सा काम है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके इसको एक्टिवेट कर देना है, मतलब आपने इंस्टॉल किया 404 पेज को और उसके बाद आप इसको एक्टिवेट कर रहे हो, तो इंस्टॉल एंड एक्टिवेट आपका काम ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, उस प्लगइन की सेटिंग में जाएंगे, तो लेफ्ट साइड बार में देखो आप अपने पास टूल्स में, सेटिंग्स में और आपका अपेयरेंस, तो अपेयरेंस के अंडर आपके पास ऑप्शन आ रहा है 404 एरर पेज का, तो ये इस अपेयरेंस के अंडर 404 पेज पे क्लिक कर लें, या जो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हैं इसके अंदर भी ऑप्शन आ रहा होगा, आप वहां से भी जा सकते हैं। तो 404 पेज इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया, अपेयरेंस में 404 एरर पेज है उसको क्लिक किया, ये उसका मेन डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो कहता है कि यहाँ पे सिलेक्ट करो कौन सा पेज आप एज अ डिफॉल्ट 404 पेज शो करवाना चाहते हो, तो मैं इसको क्लिक करूंगा और मेरा ये पेज नॉट फाउंड जो मैंने बनाया था इसको सिलेक्ट करूंगा एंड सेव। तो मैंने ये प्लगइन इसलिए इंस्टॉल किया है कि मैं डिफॉल्ट 404 पेज विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज सिंपल मेथड को यूज करते हुए सेट कर सकूं। तो 404 पेज जो है ना उसको मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया, सेट कर दिया जो मैंने बनाया था, कॉन्टेक्ट एज सैंपल पेज, पेज नॉट फाउंड, तो पेज नॉट फाउंड वही पेज था, वो उसको मैंने सिलेक्ट करके सेव कर दिया। तो ये करने से क्या होगा कि ये आप देखो जरा,
अगर यहां तक क्लियर है तो बताएं, फिर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। पक्सम प्रोमो इस डिफॉल्ट पेज पे जा रहा था, नॉट फाउंड पे। अब ये जो है, जो मैंने बनाया हुआ है, उस पेज पे जाएगा। इससे पहले वाला क्लियर है तो बताएं पहले। फिर मैं यहां पे आऊंगा। तो 404 एरर पेज का जो प्लगइन है, वो इसलिए की है कि मैं उसके अंदर आके जो पेज मैंने बनाया था उसको डिफॉल्ट पेज सिलेक्ट करके सेव कर सकूं। बस सिर्फ इतना काम था, इस वजह से मैंने ये 404 पेज का प्लगइन किया है। क्लियर है? तो अब देखें क्या होगा कि ये आपके पास जो एरर पेज पक्सन प्रोमो जो था, जो पहले इस पेज पे जा रहा था, इसको मैं क्लिक करता हूं तो ये पेज चेंज हो जाएगा, और जो मैंने पेज बनाया है अब वो पेज इसकी जगह ओपन होगा। ये देख लें, पेज नॉट फाउंड, और ये जो भी है, और जो लिंक्स वगैरह आपने लगाए थे वो अब आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो पेज चेंज हो गया। अब इस पेज का ये साथ साइड बार आ रही है, अगर आप साइड बार खत्म करना चाहते हैं तो उस पेज के ऊपर आपके पास टोटल सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। ये पेज बनाया था, इसके लेफ्ट साइड पे ये पेज एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें ये टेम्पलेट बनी हुई है डिफॉल्ट, इसको क्लिक करें, फुल विड्थ करें कि पूरी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ 404 पेज नजर आए, कोई साइड बार कोई चीज नजर ना आए, तो आप वो जाके एडिट करके सेव कर लें। अब वापिस आओ और इसको क्लिक करो तो अब आपके पास ये साइड बार नहीं आएगी। तो पूरा कंट्रोल है आपके पास इस पेज में, ये आप इस तरह नजर आएगा। कोई पिक्चर लगाई होगी, कुछ भी लगाना है आपने कर लें, वो सब आपको अपनी मर्जी से जिस तरह आप दिखाना चाहते हैं लोगों को, वही चीज आपकी यहाँ पे नजर आएगी। रिडक्शन का लिंक ऐड नहीं किया हमने, क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 404 एरर पेज करके उसकी सेटिंग में गए और वहां पे जो पेज बनाया था उसको सिलेक्ट करके सेव कर दिए। तो ये पेज हमने इसलिए 404 का प्लगइन इसलिए इंस्टॉल किया कि हम डिफॉल्ट पेज सिलेक्ट कर सके। तो ये आपका 404 पेज। और एरर पेज अगर आपकी साइट पे ज्यादा होंगे तो गूगल के नजदीक भी आप अच्छे नहीं हो, और एक यूजर के नजदीक भी आप अच्छे नहीं हो, तो उससे आपकी रैंकिंग के ऊपर अफेक्ट होता है। इस वजह से हमें अपने एरर पेजेस को रिमूव करना लाजमी है। ये आंसर है उस क्वेश्चन का जो शायद आपके माइंड में कहीं ना कहीं आ रहा हो कि हम ये कर क्यों रहे हैं। तो कर इसलिए रहे हैं कि अगर आपके पास ब्रोकन लिंक्स हैं तो आपकी रिप्यूट गूगल के अकॉर्डिंगली भी अच्छी नहीं है, आपकी रिप्यूट यूजर के अकॉर्डिंगली भी अच्छी नहीं है, और गूगल यूजर के साथ चलता है। यूजर को अच्छा नहीं लगेगा तो गूगल को भी अच्छा नहीं लगेगा, अल्टीमेटली आपकी साइट अच्छा रैंक नहीं होगी। वो कहेगी साइट प्रॉपर मैनेज नहीं हो रहे, गूगल से गूगल कहेगा साइट प्रॉपर मैनेज नहीं हो रहा, और ब्रोकन लिंक्स चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, तो मेंटेन ही नहीं की हुई साइट को, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा और यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है तो गूगल उसको अच्छा नहीं समझेगा, और अल्टीमेटली आपको उसके ऊपर आपका इफेक्ट आएगा, उस आपकी साइट पे उसकी रैंकिंग पे इफेक्ट आएगा। जो भी ब्रोकन लिंक होगा उसको ये पेज नजर आएगा, अगर आपने रिडायरेक्शन नहीं लगाया हुआ। अगर वो रिडायरेक्ट प्लगइन से आपने अपनी मर्जी से एक रिडायरेक्ट लगाया हुआ है ना, पुराने से नए वाले लिंक पे, तो ठीक है, अगर नहीं लगाया तो ये लिंक सामने आएगा। तो ये उन लिंक्स के लिए है जिनका कोई आगे नया लिंक हमारे पास नहीं है। ऑटोमेटिकली सिर्फ ये प्लगइन इंस्टॉल करके एरर पेज का, कस्टम 404 एरर पेज का, उसमें जो आपने अपना पेज बनाया उसको सिलेक्ट करके सेव कर दें, ऑटोमेटिकली कोई भी अब ब्रोकन लिंक होगा जिसपे रिडायरेक्शन नहीं लगाया आपने, उसको कोई नया लिंक नहीं किया हुआ, वो ऑटोमेटिकली ये वाला 404 पेज दिखाएगा। तो ये इसलिए बनाया हमने कि चलो कस्टमाइज अपनी मर्जी का कुछ लिख के, माफी मांग के, कोई पिक्चर लगा के, कोई फन क्रिएट करके किसी तरह से उसको गुस्सा डाउन करें और नीचे कोई इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दें ताकि वो बंदा उधर चला जाए। राबिया जी, अगर 300 ब्रोकन लिंक्स थे जिनका कोई अता पता नहीं था, वो 300 के 300 इस वाले ब्रोकन लिंक पेज पे आएंगे। अब वो 300 के 300 अब इस ब्रोकन लिंक पेज पे आएंगे। अगर आप खुद से रिडायरेक्शन प्लगइन से रिडायरेक्ट लगा देते हो पुराने से नए लिंक पे तो वही होगा, लेकिन जो नहीं लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इस पेज पे आएंगे। मैंने शहबाज बताया है कि इसके लिए गूगल सर्च कंसोल आपको सब बताता है ब्रोकन लिंक्स के बारे में, या ऑडिट टूल्स हैं जिसमें पहले हम साइट को जब ऑडिट रन करते हैं तो हमारे सामने पूरा डेटा आ जाता है। ब्रोकन लिंक्स के लिंक्स भी आ जाते हैं, वो लिंक्स भी हमारे सामने आ जाते हैं जो ब्रोकन है, ठीक है, और फिर हम लोग ये सारा काम करते हैं। तो वो मैं जैसे कंपाइल करूंगा इस वाले सारे काम को, तो वहां मैं आपको ऑडिट टूल्स बताऊंगा, उसके अंदर आप इन चीजों को देख सकते हो। क्लियर है जी? कोई यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। और ये क्यों कर रहे हैं भाई, जरूरी है, आपकी रिप्यूट अच्छी नहीं है, आप अपनी रिप्यूट खराब कर रहे हो, यूजर को अच्छा नहीं लगेगा, गूगल को अच्छा नहीं लगेगा। आपने 300 लिंक नहीं बनाने काशिफ, हम सिर्फ ये एक ब्रोकन लिंक बनाएंगे,
ये एक पेज हमने बनाया है, और ये एक पेज जब हमने आके कस्टम 404 प्लगइन में इसकी सेटिंग में पेज टू बी डिस्प्लेड एज 404 पेज सेट कर दिया, तो ये डिफॉल्ट 404 पेज ब्रोकन पेज आपका एडजस्ट हो गया है। अब 300 हो या 500 हो या 10,000 हो, अगर आपने उस पर मैनुअली रिडायरेक्शन लगाया है पुराने लिंक से नए पे, या अपनी मर्जी का, मतलब किसी भी पुराने लिंक से किसी नए लिंक पे रिडायरेक्शन आपने अपनी मर्जी का लगाया हुआ है रिडायरेक्शन प्लगइन से, तो वही ओपन होगा। लेकिन नहीं लगाया हुआ तो ये ऑटोमेटिकली, ये जो हमने बनाया है पेज डिफॉल्ट, ये वाला उसके सामने अपीयर होगा। तो हमने एक बार बनाना है, बेशक 200 लिंक है बेशक 400 लिंक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आया करेंगे आपको, क्लियर है? तो ऑटोमेटिकली आया करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कल ओपन ग्राफ मेटास का, सोशल शेयरिंग वाले, कि जिस पेज का अपना इमेज होगा फेसबुक उसी का इमेज दिखाएगा, जिसका नहीं होगा तो डिफॉल्ट इमेज दिखाएगा। इसी तरह से है कि जिस पेज के ऊपर आपने पहले से रीडायरेक्ट लगाया होगा वो वही रीडायरेक्ट अप्लाई होगा, नहीं होगा तो ये वाला पेज बाय डिफॉल्ट उसके सामने आएगा, ठीक है? तो हम सिर्फ अवॉइड कर रहे हैं कि वो जो ऑटोमेटिक वाला पेज आता है उसकी बजाय हमारा अपना बनाया हुआ है, ताकि आप अपनी मर्जी से लोगों को वहां पे कुछ चीजें शो करवा सके, ऐड कर सके, रिमूव कर सके। इस सर्विस को ब्रोकन लिंक फिक्सेस, 404 एरर पेजेस फिक्सेस, ठीक है? ये सारा वो काम है आपका। तो ब्रोकन लिंक फिक्सेस है ये, तो मैंने आपको इसको बड़ा डिटेल, इतना इन डेप्थ बता दिया जितना जरूरी भी नहीं था आपके लिए शायद। मैं सिर्फ ब्रोकन लिंक्स वाला पहला वो जो एरर बताया था वो बता देता तो मोर देन इनफ था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा इसमें एडवांस्ड भी बता दिया है, ताकि हर किस्म के लिंक्स को आप कैटर कर सको। टेक्निकल चीज है, छोटी सी चीज है, करने में बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आपको अमाउंट भी अच्छी मिल सकती है इसकी, और देख लें कितना टेक्निकल है करना, अगर ये वर्डप्रेस वाली साइट है तो। यहां तक बताएं मुझे सब क्लियर है? तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर पेज जो पुराना है वो नए लिंक पे जा रहा है, उसका स्लग चेंज हुआ है, तो रिडायरेक्शन प्लगइन से आप उसका रिडायरेक्ट अप्लाई कर लोगे, वो बल्कि ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर कोई लिंक है जिसका नया वर्जन या कोई नया उसका अल्टरनेटिव आपको पता है कहाँ पे रिडायरेक्ट करवाना है, तो आप अपनी मर्जी से रिडायरेक्ट करवा सकते हो यूजिंग रिडायरेक्शन प्लगइन। और अगर वो प्लगइन, वो वाले पेजेस जिनका कुछ अता पता नहीं है, वो ब्रोकन लिंक्स ही वहां पे आने हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो डिफॉल्ट ब्रोकन लिंक है वो ना आए, जो मैं बनाऊंगा वो आए। तो उसके लिए मैंने एक कस्टम पेज, एक मैनुअल एक पेज क्रिएट किया, और कस्टम 404 प्लगइन इंस्टॉल करके उसके एरर पेज में जाके उसका जो डिफॉल्ट पेज है ब्रोकन वाला वो सिलेक्ट कर लिया जो मैंने बनाया था, ताकि वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ये पेज दिखाना शुरू कर दे बजाय वो डिफॉल्ट पेज के, ताकि इस पे मैं अपनी मर्जी से उनको गाइड कर सकूं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, पूरी साइट बनाना वर्डप्रेस के ऊपर। व्हाट इज दिस साइट एंड लेक्चर नेम प्लीज? लेक्चर नेम में मैंने लिखा तो है ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ का पार्ट है, और ये ब्रोकन लिंक है, ये ब्रोकन लिंक फिक्सेस कर रहे हैं इसके अंदर, ये चीज ब्रोकन लिंक, ये कल हाफ हो चुका हुआ था, बल्कि मैं वहीं पे खत्म कर सकता था, बट मैंने उसको फर्दर सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा आपको उसमें और चीजें बतानी चाहिए, तो मैंने आपको आज बता दी। ये ब्रोकन लिंक्स फिक्सेस हैं, जो ब्रोकन लिंक्स होते हैं उनको कैसे टैकल करना है, उनको कैसे आपने हैंडल करना है, ये वो मेथड बताया मैंने। और क्यों बताया, बस सीधी बात है, अगर नहीं करोगे तो आपकी साइट की रिप्यूट खराब है, एज पर गूगल भी और एज पर यूजर भी, तो उसके लिए आपको इफेक्ट होगा, आपकी साइट अच्छा रैंक नहीं करेगी। ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए साइट के ऊपर, तो वो अगर आपने प्रॉपर स्टार्ट से काम अच्छा किया हो तो नहीं होते, ये गड़बड़ की होती है जब क्लाइंट आते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि अब इसको बेस्ट पॉसिबल वे में फिक्स कैसे किया जा सकता है, और फिर हम उसको फिक्स करते हैं। जी क्लियर है यहां तक? और साइट का पता नहीं चला मुझे, व्हाट इज द साइट, ये इसके समझ नहीं आई मुझे दनान, व्हाट इज द साइट मींस, मतलब क्या पूछा आपने ये? बताएं जी, यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। आलिया, हम लोग एसईओ कर रहे हैं, हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, आपके भी लेक्चर मिस हुए हैं।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हाउ टू गेट योर सेल्फ रैंक्ड ऑन गूगल। हम ये बात कर रहे हैं कि गूगल पे रैंकिंग कैसे लानी है। उसकी दो उसके लिए एसईओ करनी पड़ेगी। एसईओ के दो पार्ट्स हैं, एक है ऑन पेज एसईओ, एक है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ इज अबाउट व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है। चलें, अब आपके सामने ये एक छोटी सी चीज आ रही है, बल्कि ये बाद में करेंगे। स्कीमा मार्कअप करते हैं। स्कीमा मार्कअप क्या चीज है, इसकी बात करते हैं। कल हम स्पीड पे इंशाल्लाह जाएंगे। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होती है जो वेबसाइट की, वो कैसे होती है, कल हम उस पे जाएंगे। स्कीमा मार्कअप, जी ब्रोकलिंग्स हो ही ना तो तब जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे। जी बिल्कुल। अच्छा, अब देखें स्कीमा मार्कअप क्या चीज है। मैं गूगल पे जा रहा हूं, अच्छा गूगल पे आया, मैंने यहां पे सर्च किया मोज, एक वेबसाइट का नाम है, तो मैं मोज सर्च कर रहा हूं। नहीं, वो सामान मैंने खुद छोड़ा है। वो 5 आइकन है यार, वो सिंपल सा एक आइकन ऐड करना है। तो मैंने कहा जरा अभी टाइम है तो हम लोग जरा स्कीमा वाली साइड पे चले जाते हैं। तो वो एंड पे टाइम बचा तो वो 5 आइकन छोटा सा वो बता दूंगा। तो वो एक सिर्फ और सिर्फ ये जो आपके ब्राउजर के अंदर ये नहीं लगे हुए, ये आपका यहाँ पे ये आइकन नजर आ रहा है, स्ट्रीम यार्ड का ये आइकन नजर आ रहा है, गूगल का ये नजर आ रहा है, वर्डप्रेस का ये नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आइकन डिस्प्ले हो, उसको 5 आइकन बोलते हैं। तो ये 5 आइकन जो है वो उसके बारे में था, ये कैसे ऐड करते हैं। तो सिंपल सा काम मैं बता दूंगा। मैं जरा थोड़ा सा भी टाइम था तो मैंने कहा जरा स्कीमा की तरफ चलते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आपके पास गूगल में आया और मैंने लिखा मोज, मोज लिखा तो मोज एक टूल है एसईओ का जी, वो तो बता दूंगा, लेकिन मैं असल में आपको बताने के आया हूं। मैं वो आपसे शेयर कर लूं। मरियम, मैं वैसे कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आप लोगों को सही समझ आए। इट्स अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है अपनी साइट को रैंक करने का। तो अपनी साइट को रैंक करने के लिए हम, जाहिर बात है हमने रैंक करना है गूगल पे, तो हम गूगल के अकॉर्डिंगली जो चीजें अच्छी हैं या बुरी हैं, वो किस तरह से रैंक करता है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसका पूरा मैकेनिज्म है, हमें वो समझना और फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। मैंने स्टार्ट में आपको रैंक ब्रेन और मेजर गूगल अपडेट्स के दो रीडिंग्स दी थी कि आप उसको पढ़ लो। अगर आप वो लोग अभी भी जिसने नहीं पढ़ी वो पढ़ लें तो आपको इन चीजों की ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं अपनी साइट को रैंक करने के लिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है, तो नहीं करेंगे तो भाई रैंक नहीं होंगे। हमें उन अकॉर्डिंग टू गूगल चलना पड़ेगा, जो वहां अच्छा है जो बुरा है उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। चीजें नई है, चीजें बहुत टेक्निकल नहीं है, और मैं आपको कोडिंग वगैरह तो दिखा ही नहीं रहा, मैं आपको बड़ा सिंपल वे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जहां भी कोई इशू आए प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, कभी भी कोई क्वेश्चन आए मुझसे पूछें। मैं आज भी सुबह मैसेज, कोई एक मैसेज मैंने नहीं छोड़ा जिसको मैंने रिस्पॉन्ड ना किया। उन्होंने दोबारा मुझे मैसेज कर दिया तो और बात है, लेकिन मैंने सारे मैसेज जो है ना उसको रिस्पॉन्ड कर दिया है सुबह। तो मैं डेली बेसिस पे विदिन 24 आवर्स कोशिश करता हूँ कि एक बार दो बार तीन बार बैठूं और मैं जितने लोग हैं सबको खत्म करूं, मतलब सबको रिप्लाई करूं मैं। तो आप मुझे बोला करें जब रैंक होगा तो क्या बेनिफिट होगा। जी रैंक होगा, आप गूगल पे आकर चीज टाइप करते हो तो जो टॉप 10 में रिजल्ट आते हैं आप उसी क्लिक करते हो ना। कभी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें पेज पे कितनी बार जाते हैं हम लोग, अपने ऊपर कीवर्ड ही टर्म ही चेंज कर देते हैं अगर हमें कोई चीज अपने काम की ना मिले। अगर मिले तो फर्स्ट पेज पे मिल जाती है। तो इसलिए हर बंदा फर्स्ट पेज पे आना चाह रहा है। फर्स्ट पेज पे रैंक होंगे तो क्या होगा, जो लोग सर्च कर रहे हैं हम लोग वहां पे रैंक हैं तो हमें वो लोग क्लिक करके हमारी साइट को ओपन करेंगे, हमारे पास ट्रैफिक आएगी। गूगल को हमने पूछना भी नहीं था अगर गूगल के पास ट्रैफिक ना होती। गूगल पे क्यों रैंक करना चाह रहे हैं, गूगल के पास ऑडियंस है, गूगल के पास ट्रैफिक है, एंड वी हैव टू रैंक अवर वेबसाइट अगर हम वो ट्रैफिक जो है उसको अक्वायर करना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं। तो असल काम तो है ट्रैफिक, मार्केटिंग है ट्रैफिक, जहां लोग हैं जहां लोग एग्जिस्ट करते हैं वहां पे हम लोग मार्केटिंग करते हैं। तो गूगल पे मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रैफिक चाहिए, वरना और कोई इशू नहीं है। तो ट्रैफिक कैसे आएगी, अपने आपको फर्स्ट पेज पे रैंक करना पड़ेगा, रैंक नहीं होगा तो ट्रैफिक नहीं आएगी। जमील, मैंने दो लिंक शेयर किए थे,
आप वो पढ़ सकते हैं। अदनान, एक मैसेज का भी रिप्लाई नहीं मिला आपको, दोबारा किए होंगे ना आप। तो मैंने कल लेक्चर के लास्ट में आपको बताया भी है कि इनको सेल कैसे कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन एक चीज माइंड में रखें कि हम एसईओ क्यों कर रहे हैं। हमने अपनी साइट को रैंक करना है। रैंक क्यों करना है? क्योंकि ट्रैफिक चाहिए, गूगल के पास ट्रैफिक है, हम वो ट्रैफिक एक्वायर करना चाहते हैं, हम लोग इसलिए रैंक करने की तरफ जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इस वजह से हम लोग रैंकिंग लेके आ रहे हैं, वरना हमें क्या जरूरत थी रैंक करने की। ठीक है, तो ट्रैफिक है तो हम रैंक करेंगे, फेसबुक के पास ट्रैफिक है तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे। तो मार्केटिंग वही होती है ट्रैफिक होती है। जियो में रात को 9 बजे वाला या 6 बजे वाला न्यूज जब चल रहा होता है टीवी चैनल पे किसी भी, तो वो बहुत एक्सपेंसिव ऐड होता है वहां पे, क्योंकि लोग ज्यादा देख रहे होते हैं। ठीक है, वरना तो पूरा दिन भी चल रहे होते हैं ऐड। तो ट्रैफिक जहां पे है वहां पे उसको क्वायर करने के लिए हम लोग मार्केटिंग करते हैं। और गूगल की मार्केटिंग क्या है कि गूगल पे अपने साइट को रैंक करो फॉर रिलेटेड कीवर्ड्स, फॉर रिलेटेड टर्म्स, ताकि वहां पे लोग आए, मतलब आपकी साइट रैंक होगी तो लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे और आपका जो भी गोल है वो अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो बाकी ये कि आप लोग ना सासत करो, प्रैक्टिस करो, और जो जो जहां जहां कंफ्यूजन आया मुझसे पूछते रहा करो। काशिफ, हमारे वेबसाइट पे जब ट्रैफिक आती है तो फिर डिपेंड करता है ना हम किस तरह अर्निंग कर रहे हैं। प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो चीज बिकेगी तो अर्निंग होगी, सर्विस बेच रहे हैं सर्विस सेल होगी तो अर्निंग होगी, हमने एड्स लगाए हुए हैं तो उन एड्स पे क्लिक करने पे, उन एड्स पे इंप्रेशंस आने पे अर्निंग होगी। तो उसके डिफरेंट मॉडल्स हैं। सबसे पहली बात है ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक आ गई तो फिर बहुत कुछ कर सकते हो आप। माशाल्लाह जबरदस्त हो गया दनान, फिर भी अगर मिस हो गया मैं दोबारा देख लूंगा। बहरहाल, नाउ आई एम कमिंग बैक टू द लेक्चर। कोई भी इशू हो प्लीज मुझसे पूछ लिया करो। मैंने आपको बोला था बड़े इजी हो के, कंफर्टेबल होके मुझसे बात किया करें, पूछा करें, मुझे आप बड़ा भाई समझ लें, जो जिस तरह से भी आपने एक टीचर समझ लें, भाई समझ लें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे। मुझे मेरी तरफ से किसी को बुरा जवाब कभी नहीं मिलेगा। मैं कभी किसी को ये नहीं कहूंगा यार क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं 100 बार समझा चुका हूँ, मुझसे फिर बार बार पूछ रहे हो, ऐसी कोई बात आप मेरे से नहीं सुनोगे। क्योंकि मुझे पता है कि हर एक का अपना एक लेवल है, कोई पर्सन पहले से इन चीजों को थोड़ा बहुत जानता है, कोई बिल्कुल स्क्रैच जीरो से आया है, कोई अभी किसी की पिकिंग पावर कम होती है, किसी की पिकिंग पावर ज्यादा होती है, ये सब चीजें मुझे पता है। ठीक है, तो मैं कभी भी किसी को डिग्रेड नहीं करता कि मेरी किसी एक बात की वजह से बंदा वो इस चीज काम को छोड़ के चला जाए। ठीक है, तो ऐसा मुझे नहीं, कम अज कम मैं रीजन नहीं बनना चाहिए, मुझे ये होता है। तो किसी किस्म का फीडबैक हो, कोई भी चीज हो, आप मुझे लाजमी बताया करें। कोई आप डिमोटिवेट हो रहे हो किसी तरह से भी, आपको जो मॉरल सपोर्ट चाहिए कुछ भी चाहिए मुझे बताएं, और मैं यहाँ पे हूँ आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग कुछ करें। तो मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको अभी भी, आपको नहीं पता, मैं इसमें से अक्सर चीजें छुप होल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि वो अभी टाइम नहीं है आपका वो चीजें सीखने का, वो आपको वक्त के साथ साथ आएंगी। वरना ये बहुत बड़ा समंदर है, ये जिस साइड पे आप आए हुए हो, तो इसमें बहुत कुछ ऐसा है। तो ये कि मैं वहां तक आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो मुझे पता है कि आपको चाहिए, आपको अगर स्टार्ट लेना है, वरना इस जहां से आगे और भी बड़े जहान है। ठीक है, लेकिन ये है कि वो टाइम के साथ साथ आप लोगों के सामने आएंगे। ये अल्लाह ताला ने बना दी, शायद नीयत साफ है इस वजह से लगता है आप लोगों को, वरना क्या मेंटर और क्या टीचिंग और ये कुछ भी नहीं आता था, बस वो अल्लाह की तरफ से यह जो भी है। और वो शायद यही है कि एक नीयत साफ है तो आप लोगों को समझ आ जाती है, तो वो अल्लाह ताला का शुक्र है, बस आप दुआ कर दिया करें। अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं आगे स्कीमा मार्कअप की। तो अभी मैं आप वापस लेक्चर पे आता हूँ ताकि थोड़ा सा और हम कर लें। अच्छा, इसमें क्या जी कि यहाँ पे मैंने मोस्ट टाइप किया है, तो मोस्ट टाइप किया है तो आपके पास एक रिजल्ट आया है गूगल में, जहाँ पे ये पहले टाइटल आ रहा है, मेटा टाइटल, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही है, फिर एक सर्च का बार आ रही है कि आप सर्च भी कर सकते हैं। रिजल्ट्स फ्रॉम मोज, डायरेक्ट मोज से रिजल्ट्स आएंगे यहाँ पे। नीचे 1 2 3 4 5 6 लिंक्स लगे हुए हैं, फिर नीचे ये फैक्ट्स लगे हुए हैं, क्वेश्चन मोज की साइट से ही आ रहे हैं, व्हाट इज मोज फॉर, बल्कि मल्टीपल साइट से आ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ये मोज के साइट से आ रहा है, इज मोज फ्री और ये सब कुछ। और अगर आप उसकी राइट साइड पे देखें तो ये आपके पास एक कार्ड आ रहा है, मैं इसको थोड़ा और जूम आउट करूं ताकि पूरी स्क्रीन आपको एक ही विंडो में नजर आए, ऐसे रिजल्ट आ रहा है। मोज पे क्लिक किया है, ये पहला तो ऐड है, ये साथ एडी लिखा हुआ है तो ये तो ऐड है। नीचे ये मोज का देखें, ये मोज का एक कार्ड आ रहा है जिसमें अबाउट कंपनी है, मोज की वेबसाइट है, मोज का नाम लिखा हुआ है, मोज की ट्विटर का लिंक लगा हुआ है, मोज की कंपेटिटर, मोज की प्राइसिंग, मोज का फाउंडर, और इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन है। और इस साइड पे जो है वो एक पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट है कि पहले टाइटल है, फिर डिस्क्रिप्शन है, फिर ये सर्च का ऑप्शन है, फिर ये लिंक्स लगे हुए हैं 5 6। एक है रिजल्ट की टाइप ये, और एक रिजल्ट है ये, यहाँ पे देखना आप,
मैं लिखता हूं ब्लॉगर, बल्कि उधर ही कर लेना था। चलो ये भी उसकी एग्जांपल ही होगी। ब्लॉगर एक साइट लिखा, इसका टाइटल, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका सर्च का ऑप्शन, ये 6 लिंक्स लगे हुए नीचे, नीचे फैक्ट्स भी हैं। साइट पे इसका ये कार्ड बना हुआ है, इस कार्ड में ब्लॉगर सर्विस है, ब्लॉगर की वेबसाइट, ब्लॉगर की डिस्क्रिप्शन, उसके बाद कब लॉन्च हुई, और सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। तो ये एक स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर आपके ना इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। और एक रिजल्ट जो आपने नॉर्मल देखे थे, वो रिजल्ट कैसे होते हैं, वो ये होते हैं सिंपल। ये रिजल्ट्स हैं कि सिर्फ टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, यूआरएल है, लिंक है, लिंक टाइटल डिस्क्रिप्शन, लिंक टाइटल डिस्क्रिप्शन, लिंक टाइटल डिस्क्रिप्शन, लिंक टाइटल डिस्क्रिप्शन, बस ये आ रहा है। तो ये नॉर्मल इस तरह का रिजल्ट आ रहा होता है। मुझे ये बताएं कि ये जो रिजल्ट आ रहा है जिसमें लिंक है, टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है, ये अच्छा है, या ये जो मोज का पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ रहा है कि मोज की लिंक, फिर उसका टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर उसमें सर्च करने का ऑप्शन जो डायरेक्टली मोज पे सर्च करेगा, फिर ये 5-6 इंपॉर्टेंट लिंक्स, फिर उसका साथ ये कार्ड बना हुआ आ रहा है जिसमें उसकी इन्फॉर्मेशन है, और इस कार्ड को कहते हैं नॉलेज ग्राफ। ये नॉलेज ग्राफ है जिसमें कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो ये सारा नॉलेज ग्राफ बना हुआ है इसका। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, ये अच्छी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, या ये नीचे जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, कौन से रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे हैं? बस कोशिश करें, साथ साथ देखते रहें, क्योंकि मिस नहीं होना चाहिए आप, ताकि पीछे ना रह जाए। ओहो, फर्स्ट लेक्चर है आपका ये? प्लीज ये दनान को हेल्प करें। दनान पहले जो भी रीजन थी, कोई जनरल रीजन थी, तो एप्लीकेशन दें, आपकी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट हो जाएगी। और बाकी जी प्लीज दनान को हेल्प करें, दनान हेल्प लें किसी ग्रुप फेलो से, और जहां पे आपको कोई इशू हो, मेरी हेल्प चाहिए हो, तो आपने मुझे बताते रहना साथ साथ। फर्स्ट वाला ना, मोज वाला, वो ज्यादा स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर है। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारा भी ऐसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर हमारा रिजल्ट शो हो, ऐसा सिंपल जो ये रिजल्ट शो ना हो, ठीक है? तो ये आपका स्कीमा मार्कअप की वजह से स्ट्रक्चर्ड डाटा है, जिसकी वजह से ये कुछ आ रहा है। ये नॉलेज ग्राफ है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में, बाकी लिंक टाइटल डिस्क्रिप्शन पर एक आ रही होती है, ये जो सर्च वाला ऑप्शन है, फिर ये जो आपके पास इंपॉर्टेंट लिंक्स आ रहे हैं, ये सारे आपके आ रहे हैं क्योंकि आपने स्ट्रक्चर्ड डाटा अप्लाई किया होगा। तो वो स्ट्रक्चर्ड डाटा आपका होता है स्कीमा मार्कअप। तो स्कीमा अप्लाई करने पड़ते हैं, हर चीज का एक स्कीमा होता है। तो उसके लिए क्या है जी, कि वर्डप्रेस के अंदर काफी इजी है बाय फार, वो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। वैसे तो जो यूज्ड है उसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं नॉलेज ग्राफ वगैरह की, लेकिन हम लोग एक डेडिकेटेड जो है ना वो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, और ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी उसके अंदर, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो आप प्लगइन्स में जाओगे, एड न्यू में जाओगे, और स्कीमा मार्कअप का एक प्लगइन है जो मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ, और स्कीमा मार्कअप इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्ड स्निपेट। ये जो गूगल में आपको शो हो रहा है ना, गूगल में कोई चीज सर्च करते हो और ये चीजें जो शो हो रही हैं, इसको हम स्निपेट बोलते हैं, सर्च इंजन स्निपेट है ये। स्निपेट लिया हुआ ना उसने, कि किस तरह से वो डिस्प्ले करा रहा है इन्फॉर्मेशन को। तो मैंने जब स्निपेट का वर्ड बोला ना, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये पूरा क्या शो हो रहा है। मैं कल भी स्निपेट का वर्ड यूज कर रहा था, जिस जब मैं आपको शो करवा रहा था सोशल मीडिया शेयरिंग वाला, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर क्या स्निपेट आ रही है, कैसे इमेज आ रहा है, कैसे टाइटल आ रहा है, कैसे डिस्क्रिप्शन आ रही है, मैं उसको पूरी एक स्निपेट बोल रहा था। तो उसी तरह से ये एक स्निपेट है जो सर्च इंजन के ऊपर डिस्प्ले होती है। तो सर्च इंजन स्निपेट जो, अगर आप उसको अच्छे से अच्छा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए आप स्ट्रक्चर डेटा अप्लाई करें। वो स्ट्रक्चर डेटा स्कीमा होता है, स्कीमा मार्कअप इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्ड स्निपेट। ये मोर स्ट्रक्चर्ड डेटा है, मोर स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक बनी हुई है, जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन आई हुई है। और अगर आप भी ऐसी चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी साइट के ऊपर स्कीमा मार्कअप अप्लाई करना पड़ेगा। वो है क्या, वो कोडिंग है, वो लैंग्वेज है जो गूगल की लैंग्वेज है, और आप हर चीज को कन्वर्ट करके गूगल को समझाते हो। मैंने आपको पहले भी 2 बार एग्जाम्पल दी हुई है, दो बार पहले एग्जाम्पल दी है। वो एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दी है, कि अगर आपके पास एक जर्मन क्लाइंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, या चलो एक पठान की एग्जाम्पल ले लो, एक पठान है, उसकी उर्दू बहुत बुरी है, वो हमारे सामने आके बोलेगा ना, जब हमें सब समझ आएगा, वो टूटी फूटी जैसी मर्जी उर्दू बोले, हमें समझ आ जाएगी। क्यों? वी आर नेटिव, हम उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, उर्दू हमारी नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है? हम नेटिव हैं, हमारी उर्दू अपनी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो हमें उर्दू समझ आनी है। वो अगला बंदा जितनी भी बुरी बोल रहा हो, हमें समझ आ जाएगी ये क्या कह रहा है, ठीक है? तो अब
हुआ क्या कि एक पठान है मेरे से बात करता है और मेरी लैंग्वेज में बात करता है, उसकी बात मुझे नहीं सही समझ आ रही, थोड़ी आती है थोड़ी नहीं आती। अब कोई इंपॉर्टेंट बात है, अब उसने मुझे कन्वे करनी है। वो क्या करता है कि वो कहता है यार मेरे से तो सही समझ आई नहीं जानी, या वहां पे बात नहीं बननी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बात अपनी लिख के उर्दू के अंदर लिख के मैं मुझे दे देता है, मेरे क्लाइंट को दे देता है। या उस पठान की जो है ना उर्दू सही नहीं है, उसको उर्दू में मैं बताता हूँ पर उसको समझ नहीं आता, या उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, वो गलत उसको जो है ना वो ट्रांसलेट अपने अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके और उसको चलाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी पश्तो वाले बंदे को कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये बात है, उसकी उर्दू भी अच्छी है पश्तो भी अच्छी है, मैं उसे कहता हूँ ये बात है इसको समझा दो पश्तो में ताकि गड़बड़ ना हो, वो उसको पश्तो में समझा देगा, वो ही पठान को ऐसे ऐसे समझ आएगी, एक एक बात सही समझ आ जाएगी। क्यों आएगी, पश्तो उसकी लैंग्वेज है तो उसको समझ आनी है, नहीं है तो गूगल की लैंग्वेज जो है, जो माइक्रो डाटा या जिस हम ये सारी चीजें मैं बात कर रहा था आपको, गूगल की जो लैंग्वेज है, अगर वो एक एल्गोरिदम एक बोट है, वो अपने हिसाब से चीजों को समझेगा, लेकिन अगर मैं चीजें उसी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको दे दूं तो गलती के चांस एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि भाई मैं उसको उसकी लैंग्वेज में चीज बता रहा हूँ, तो गूगल को हर चीज क्रिस्टल क्लियर समझ आएगी और उसको सब पता लग रहा होगा। जैसे एक पठान हमारे साथ बोलता है, जैसे भी उर्दू बोल रहा हूँ हमें समझ आ जाती है, वैसे ही अगर हम लोग अपनी जो गूगल की जो डाटा है उसको गूगल की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको दे दें तो उसको सब समझ आ जाता है। जब समझ अच्छा आएगा तो वो चीजें इंप्लीमेंट भी करेगा, जब समझ में गड़बड़ हो जाएगी तो चीजें इंप्लीमेंट प्रॉपर नहीं होंगी। तो इस वजह से स्कीमा क्या चीज है, स्कीमा मार्कअप, वो क्या होता है कि हम गूगल को उसकी लैंग्वेज में चीजें ट्रांसलेट करके इंस्ट्रक्ट करते हैं, यार ये ऐसा कर दो ये ऐसा कर दो ये ऐसा कर दो, तो जब हम उसको कंफर्ट देते हैं, उसको हम उसकी लैंग्वेज में चीजें कन्वर्ट करके दे रहे हैं, तो गूगल हर चीज को अच्छी तरह समझता भी है और फिर उसको रिफ्लेक्ट भी करवाता है। तो ये सिंपल सी बात है, इस वजह से हम स्कीमा मार्कअप करते हैं। तो कोडिंग है ये, लैंग्वेज है, लेकिन वो कोडिंग आपको दिखानी नहीं मैंने, वो होगा क्या कि एक प्लगइन के थ्रू, प्लगइन के बैकएंड पे सारी कोडिंग है, हमारे पास सामने सिर्फ चेक बॉक्सेस है, हम उसको सेट करते रहेंगे, बैकएंड पे सारी कोडिंग अप्लाई हो जाएगी, तो इसलिए हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो समझ आ गया कि हम लोग स्ट्रक्चर डाटा में क्या कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर डाटा यही है कि हम लोग उसको जरा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चीजें अरेंज करके उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको सप्लाई कर दें गूगल को, और गूगल उन चीजों को समझ भी लेगा और उसी तरह से हमारा काम करेगा, और फिर ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके पास, ये स्निपेट आ रही है, स्निपेट जैसे बोल रहा हूँ, टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये सर्च बार, ये लिंक्स आ रहे हैं, ये नॉलेज ग्राफ आ रहा है, ये सारी चीजें हमारे लिए आना भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम लोग चाहते हैं कि चीज आए, अब कर क्यों रहे हैं, अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन है, हम चाहते हैं कि हमारी भी वेबसाइट की चीजें ऐसी डिस्प्ले हों, इसलिए हम कर रहे हैं। तो डिस्प्ले होनी है तो हमें फिर हमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है, हमें बताया जाता है कि अच्छा फिर इस तरह करो, स्कीमा मार्कअप अप्लाई करो, स्ट्रक्चर डाटा अप्लाई करो, मीन्स कि हर चीज को गूगल की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसको प्रोवाइड करो, और वो ऑटोमेटिकली इन चीजों को आपके लिए कर देगा। तो अब प्रोसेस है ना, अब मैं करवाना चाहता हूँ तो करवाना कैसे है, उसका ये मेथड है, तो मुझे इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है जी, सर्च वर्डप्रेस के अंदर आप लोग क्या करेंगे, प्लगइन्स में आएंगे, ऐड न्यू में आएंगे, मेरा ख्याल है अब तक तो प्लगइन्स आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, मतलब इतने कर 3 4 5 कर चुके हैं तो पता है कैसे इंस्टॉल करना है, और प्लगइन्स वर्डप्रेस है ही सारा प्लगइन्स पे, फीचर्स ही फीचर ऐड करते जाओ, प्लगइन्स अगर आपको यूज करना आते हैं, लेकिन बहुत एक्सेसिव भी यूज नहीं करने। प्लगइन्स, ऐड न्यू, और ऐड न्यू में आप सर्च पे आगे करेंगे SCHEMA, स्कीमा, स्कीमा मार्कअप लिख लें, स्कीमा लिख लें, यहाँ पे प्लगइन आएगा जिसका नाम ही स्कीमा है, हमने वो स्कीमा वो प्लगइन यूज करना है। ये देखें फर्स्ट पे यूज्ड आ रहा है, यूज्ड के अंदर इन्फॉर्मेशन है बट लिमिटेड है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, इस वजह से मैं इसको यूज नहीं कर रहा। स्कीमा स्ट्रक्चर डाटा फॉर WPAMP, ये भी अब किया जा सकता है, 60,000 इंस्टॉलेशन है, 177 फीडबैक्स हैं। अच्छा अब यहाँ पे एक ये प्लगइन है स्कीमा, 70,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन, 194 फीडबैक्स है, और एक्टिवेशन वगैरह सब कुछ हर लिहाज से अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन मैं आपको जो करवा रहा हूँ ये ज्यादा अच्छा इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ चेक बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस को चेक करना है और आपका काम हो जाना है, तो आपके लिए इजीएस्ट है ये वाला स्कीमा। तो स्कीमा प्लगइन है, नाम भी स्कीमा है, हमने इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल नाउ। तो मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, पहले भी बड़ी बार बताया कि जो प्लगइन मैं यूज करता हूँ दे आर गुड, दे आर वाइडली यूज्ड, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये बस पहला और आखिरी प्लगइन है, इसके रिलेटेड प्लगइन्स भी हो सकते हैं, तो आप अल्टरनेटिव ऑप्शंस को भी यूज कर सकती हो, कॉन्सेप्ट बस समझा करो। तो ये रैंक मैथ है, वो आपको बताया था इसके बारे में। अच्छा ये एक स्कीमा इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करके मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ, तो स्कीमा मार्कअप प्लगइन हमने करना है, स्ट्रक्चर डाटा अप्लाई करना है, और उसके लिए मैंने स्कीमा के नाम से एक प्लगइन है उसको इंस्टॉल कर लिया और एक्टिवेट कर दिया। जैसे इंस्टॉल एक्टिवेट किया मुझे डायरेक्टली वो स्कीमा के जो सेटिंग्स है उसमें ले गया, ये देखिए खुद ब खुद ही मुझे वो उसकी सेटिंग्स में ले आया, और ये लेफ्ट साइड पे SEO यूज्ड जहां पे आ रहा है,
वहीं पे ये बिल्कुल एंड पे आपके पास SCHEMA स्कीमा का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके भी आप इसकी सेटिंग में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंस्टॉलेशन पे ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ ले आया है, लेकिन दोबारा कभी जाना हो तो लेफ्ट साइड बार में ये बिल्कुल एंड पे ऑप्शन आ रहा है स्कीमा का, इस पे क्लिक करें और क्लिक करके सेटिंग्स पे चले जाएं, ठीक है। अब ये सेटिंग्स आ गई, यहां पे मैं क्या करूंगा, ये लिखा हुआ है गो टू स्कीमा सेटिंग्स, इसकी मेन इंटरफेस आया, इसमें मुझे वो कह रहा है गो टू स्कीमा सेटिंग्स, तो यहां से भी जा सकता हूं या लेफ्ट साइड बार से ये स्कीमा जो का ऑप्शन जा रहा है इसमें से भी सेटिंग में जा सकता हूं, ये एक ही प्लेस पे लेके जाएंगे। तो मैं गो टू स्कीमा सेटिंग्स पे करने लगा हूं क्लिक, जैसे मैंने क्लिक किया मेरे सामने इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, ये ऐड को मैं क्रॉस कर देता हूं एक दफा, ये आपके पास सेटिंग्स आ गई। यहाँ पे देखें जर्नल, नॉलेज ग्राफ, स्कीमास, एडवांस्ड, और ये सारी ऑप्शन आपके पास आ रही हैं। अगर आप ये क्विक कंफिग्रेशन करेंगे तो जो बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो सारी कर देगा, तो इसको भी यूज किया जा सकता है, या आप वन बाय वन भी कर सकते हो, पहले जर्नल कर लो, फिर नॉलेज ग्राफ कर लो, फिर स्कीमास कर लो, फिर एडवांस्ड कर लो, सारे इस तरह से भी हो सकते हैं, तो दोनों में से जो मर्जी ऑप्शन यूज कर लें। तो क्विक कंफिग्रेशन जरा इजी होगी और जल्दी हो जाएगी, वो आपसे चीजें पूछता जाएगा, आप ऐड करते जाओगे। मैं बहरहाल मैनुअल करके दिखाता हूं, उसके बाद क्विक करना हो तो वो बड़ा मसला आप लोगों के लिए नहीं रह जाएगा। जनरल साइट टाइप, सबसे पहले आप बताओ कि साइट की टाइप क्या है, ये सारी चीजें क्या होनी है कि यहां से वो हमसे इंफॉर्मेशन लेगा और बैकएंड के ऊपर ऐड कर देगा। गूगल जब आएगा गूगल को वो सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के ऊपर वेबसाइट पे पड़ी नजर आएंगी, गूगल वहां से उठा लेगा, उसको सारी चीज समझ आ जाएगी, वो उसको उसी तरह से यूज कर लेगा। यूज्ड में सेटिंग्स कम है, मैं बताऊंगा ये कॉन्फ़िगर कर लें, फिर मैं बताता हूँ वहां पे सिर्फ नॉलेज ग्राफ की सेटिंग्स हैं, इसके अलावा कोई सेटिंग वहां पे नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं बताता हूँ उसका भी सवाल, तो यहाँ पे साइट टाइप कौन सी है सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है, तो आपके पास ब्लॉग और पर्सनल ऑनलाइन शॉप ये मल्टीपल आ रहा है, हमारी इस टाइम ब्लॉग है ना, आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट है, ये सिलेक्ट किया। पब्लिशर लोगो, तो जो आपका लोगो है जिस तरह से यहाँ मोज का देखें ये लोगो डिस्प्ले हो रहा है, तो आप इस तरह का लोगो वगैरह क्या ऐड करना चाहते हो, तो फिलहाल हमारा लोगो कोई है ही नहीं, तो मैं वैसे अपलोड पे क्लिक करके, और प्लगइन वैसे हमने लोगो को किया ही नहीं हुआ, तो मैं वैसे वो अपलोड पे जाके कोई कदा लोगो जना लगा देता हूँ, कोई भी जो मेरे पास पड़ा हो उसको अपलोड कर लेते हैं। तो लोगो जो है ना वो हर साइट का जो भी लोगो होगा, मतलब अभी इसका हमारे पास तो लोगो देखता हूँ मैं, तो मिल जाए तो यूज कर लूं, लोगो लोगो एक लोगो ये मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। अब वो जो इमेज को रीनेम करना, इमेज को ऑल्ट टैग लगाना, वो सारा काम वैसे का वैसे ही है, तो अगर मैं यहाँ नहीं कर रहा तो आपने ये नहीं कहना कि वो पहले करना था और अब नहीं करना था, या कंफ्यूज नहीं होना, वो करना ही करना है। तो मैं सिर्फ क्विकली करने के लिए एक दफा इसको सेटअप करने के लिए मैं आपको लोगो अपलोड करके ऐड करके दिखा रहा हूँ, तो ये ऑल्ट टैग भी आपने लगाना है, उसको रीनेम भी पहले करना था, वो सब होना था। इंसर्ट इन टू द पोस्ट, ये मेरा लोगो लग गया। अब मैं इसको करूंगा सेव चेंजेस। सबसे पहले जनरल सेटिंग्स थी जिसके अंदर मैंने बताया कि मेरी साइट किस टाइप की है और साथ उसका मैंने लोगो साइट का अपना ऐड किया, तो ये फर्स्ट सेटिंग थी जिसको मैंने करके सेव कर दिया, ये जनरल सेटिंग है। उसके बाद आपका है नॉलेज ग्राफ। अच्छा, नॉलेज ग्राफ क्या होता है, रिव्यू साइट के लिए मैं वापस जाऊंगा, मैं बताता हूँ, मुझे दोबारा याद करवाना, एक दफा इस प्रोसेस कंप्लीट कर लें। नॉलेज ग्राफ आ गया जी, अब मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, किसी को इश्यू ना आ रहा हो। नॉलेज ग्राफ क्या है जी, ये जो आपके पास कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन ये यूज हो रही है, ये नॉलेज ग्राफ है, कंपनी का डाटा जहां पे शो होता है, सारी इंफॉर्मेशन गूगल में शो होती है, ठीक है। तो यहां पे देखें पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, रीनेम क्या करना है, किसको रीनेम, ये पर्सन को, ये वो बता भी रहा है दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड इन गूगल नॉलेज ग्राफ कार्ड, द बिग ब्लॉक इंफॉर्मेशन यू सी ऑन राइट साइड ऑफ सर्च रिजल्ट्स, तो ये आपका जी नॉलेज ग्राफ है, ये इंफॉर्मेशन यहां पे यूज होनी है, वो आपको ये बता रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपकी इस सिनेरियो में पर्सनल ब्लॉग भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं हो सकती, तो डिपेंड करता है क्या है, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज होगी इस हिसाब से। तो अगर मेरी पर्सनल ब्लॉग है तो मैं पर्सन पे क्लिक कर दूंगा, ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग है, कोई कंपनी है साथ ब्लॉग रन कर रही है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन पे भी जा सकते हैं। निदार रीनेम,
वापस आ गए। स्क्रीन देखें, स्क्रीन वापस आ गई। अब बताएं, स्क्रीन वापस आ गई। जी आ गई स्क्रीन वापिस। अच्छा तो मैं लोगों का मैं बता रहा हूँ, लोगों को रीनेम करना है। रीनेम का वही कॉन्सेप्ट है जो हमने किया था पहले। वहां कीवर्ड से करते थे लोगो, क्योंकि आपका जनरल ब्रांड के लिए हम ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ब्रांड का नाम जैसे ई रोजगार बैज 11 है ना, तो मैं लिख दूंगा ई रोजगार डैश बैज डैश 11 डैश लोगो, ये रीनेम हो जाएगा। और जब मैं इमेज ऑल टैग लगाऊंगा तब भी अपने ब्रांड नेम के साथ ही, कि ई रोजगार बैज 11 लोगो है ये। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों को ब्रांड नेम के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं हम लोग। तो ये जो लोग लोगों पर बात कर रहे थे। अब बात आ गई नॉलेज ग्राफ की। ये नॉलेज ग्राफ आपका ये जो कार्ड है जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होती है वही वाली। इसमें सबसे पहले उसने मुझे पूछा कि वेबसाइट क्या है। मैं कहता हूँ जी पर्सनल वेबसाइट है, ई रोजगार बैज 11 इसका नाम है। वेबसाइट का लिंक क्या है, तो ये डॉट कॉम तक जो लिंक है वो पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जी वो स्ट्रीम यार्ड का एरर था, उससे डाउन हुआ था। सेव चेंजेस करेंगे और उसके बाद फिर नॉलेज ग्राफ के नीचे ही ऑर्गेनाइजेशनल इन्फो हमने अभी किया है ऐड। इसके साथ ऑप्शन आ रहा है सर्च रिजल्ट्स का, तो यहां पे क्लिक करें। जी प्लीज एक दूसरे को गाइड किया करें जो हेल्प मांग रहे हैं, बाकी लोग हेल्प करें। अच्छा जी, तो नॉलेज ग्राफ में पहले ऑर्गेनाइजेशन इन्फो दे दिया, अब आ गया सर्च रिजल्ट्स। सर्च रिजल्ट्स में वो कह रहा है एनेबल साइट लिंक्स सर्च बॉक्स। साइट लिंक्स सर्च बॉक्स आपने करना है ऐड, तो साइट लिंक सर्च बॉक्स क्या है यहां पे बताना मुझे जरा। साइट लिंक सर्च बॉक्स, ये बॉक्स जो है सर्च बॉक्स आपका आ रहा है, वो कह रहे हैं इसको डिस्प्ले करवाना है कि आप लोग डायरेक्टली गूगल से उस स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर सर्च कर सको। तो ये ऑप्शन वो कह रहा है कि आपने जो एनेबल करना है साइट लिंक सर्च बॉक्स, ये जो साइट लिंक्स आ रहे हैं इनके साथ जो सर्च बॉक्स आ रहा है इसको एनेबल करना है। तो यहाँ पे सामने ऑप्शन है, चेक कर दें येस, और अगर नहीं तो ना करें। तो आपको जारी बात है अगर आप ये इन्फॉर्मेशन चाहते हो बीच में, तो जारी बात अच्छी लग रही है। इस तरह स्ट्रक्चर ज्यादा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, आपका ज्यादा इन्फॉर्मेटिव डाटा लग रहा है, और यहाँ डायरेक्टली गूगल से आप चीजें सर्च कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए। ये वॉइस नहीं आ रही जी, वॉइस का इश्यू बताइएगा। तो साइट लिंक आपने एनेबल करने हैं या नहीं करने, मुझे फटाफट बताते जाए मैं करता जाऊं। साइट लिंक एनेबल करने हैं या नहीं करने, आप चाहते हैं कि मोज की तरह आपका भी इस तरह का सर्च बॉक्स आए आपके लिंक, आपकी जो वेबसाइट है उसके स्ट्रक्चर के साथ स्निपेट के साथ, तो मैं इसको एनेबल कर दूंगा। फिर आप चाहते हैं कि साइट नेम जो है, टेल गूगल टू शो योर साइट नेम इन सर्च रिजल्ट्स, आपका साइट नेम जो है वो सर्च रिजल्ट्स में शो हो, आप चाहते हो बताएं मुझे। जाहिर बात है कोई बुरी बात तो नहीं है, चाहिए हमें, तो हम इसको भी एनेबल करेंगे। और ई रोजगार बैच 11 साइट का नाम पूछ रहा है क्या एनेबल करवाना है, तो साइट ई रोजगार बैज 11। अल्टरनेटिव नेम है साइट का कोई नहीं है, तो ये आपके सामने इंफॉर्मेशन, तो एनेबल कर दिया। ठीक है, साइट का नाम भी वहां पे हमारा नजर आए। फिर से चेंज कर दें, तो नॉलेज ग्राफ में ये सर्च रिजल्ट्स वाला सेकंड ऑप्शन भी हमने फिल आउट कर दिया। इसमें बहुत कम चीजें जो नो करेंगे, सारा यस ही करना है, तो इसलिए बड़ा इजी था, मैंने इसलिए यूज करवाया। अब आप लोग तो सिर्फ इतने से बॉक्स चेक कर रहे हो, बैकएंड के ऊपर पूरा वर्किंग हो रही है, वो ये प्लगइन कर रहा है आपके बिहाफ पे। बैकएंड पे सारा काम हो रहा है जो आपने मैनुअल करना था, लेकिन ये प्लगइन कर रहा है आपके लिए। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड ऑप्शन है सोशल प्रोफाइल्स की। आप चाहते हैं आपके बिजनेस की जो सोशल अकाउंट्स हैं वो नॉलेज ग्राफ में शो हो, वो ये बता रहा है आपको। ये देखें, जैसे कि मोज में ये नजर आ रहा है, प्रोफाइल्स के अंदर ट्विटर नजर आ रहा है बस। तो आप चाहते हैं कि आपके नॉलेज ग्राफ में आपकी प्रोफाइल्स शो हो, जैसे ये ट्विटर शो हो रहा है, तो बिल्कुल आप चाहेंगे। अगर चाहते हैं तो वो आपको लिंक देने पड़ेंगे, फेसबुक के पेज का लिंक, ट्विटर का लिंक, गूगल प्लस का लिंक, जो जो भी आप शो करवाना चाहते हैं यहाँ पे आपको वो लिंक देने पड़ेंगे। तो ये लिंक आपके नॉलेज ग्राफ में शो होंगे। प्रोवाइड योर सोशल प्रोफाइल इंफॉर्मेशन टू आर नॉलेज ग्राफ पैनल। ठीक है, तो यहां पे आपको ऐड करने पड़ेंगे। फिलहाल हमारे पास कोई साइट लिंक नहीं है इस साइट का, लेकिन जो क्लाइंट की साइट आएगी, जारी बात है कोई भी ऐसी साइट नहीं है जो बिल्कुल ही सोशल चैनल यूज ना कर रहे हो,
वो एक आधा तो लाजमी कर ही रहे होंगे, एक दो तो आप वो या लिंक से यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे कॉर्पोरेट कॉन्टेक्ट्स पे, और ये जो कॉन्टेक्ट्स है ना, ये मेरा ख्याल है ये आपके पेड में अवेलेबल है या शायद मुश्किल ही हो। तो कॉर्पोरेट कॉन्टेक्ट्स है, आप उस पे चले जाओ। यहाँ पे बल्कि कह रहा है कस्टमर सपोर्ट का, वो कह रहा है कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह इन्फॉर्मेशन दे दें, वो भी आपके आपकी शो होगी फिर। तो कॉर्पोरेट कॉन्टेक्ट्स में गया हूँ तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट टाइप, कस्टमर सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, बिलिंग सपोर्ट, बिल सपोर्ट, सेल्स, क्रेडिट कार्ड सपोर्ट, एमरजेंसी, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी है आपको। तो अभी अगर मैं कहता हूँ कस्टमर सपोर्ट, तो कस्टमर सपोर्ट के लिए जो नंबर देना है, पता नहीं कौन सा नंबर आ रहा था, मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो वो नंबर आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है, कैनेडा, यूएसए, जहाँ का भी है। तो वो कस्टमर सपोर्ट का नंबर है जी, ये नंबर है, और उसका लिंक कि कस्टमर सपोर्ट का लिंक कहाँ पे है, तो आपका कोई कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा, कुछ भी होगा, आप उस तरह से उसके कॉन्टेक्ट अस पेज को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट अस का पेज जिसके थ्रू लोग आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो नंबर और वो किस चीज का नंबर है, सपोर्ट का दे रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, वो आप सिलेक्ट करेंगे, नंबर देंगे, अपना कॉन्टेक्ट अस का पेज का लिंक देंगे, हेल्प का कोई भी, जो भी आपका सपोर्ट का लिंक है, ये साफ लिखा भी हुआ है कि यूआरएल ऑफ योर कॉन्टेक्ट पेज, तो वो देंगे। वो देने के बाद आप सेव चेंजेस कर दोगे। तो यहां तक कोई चीज आ रही मुश्किल? तो जारी बात, ये सारा डाटा अगर हम शो करवाएंगे तो बेटर है, बेस्ट है अगर ये डाटा हमारा शो हो जाता है, तो इससे बढ़ के हमें और क्या चाहिए। सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर आपकी शो होती है तो ये आपका वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड किस्म का आपके वो गूगल के अंदर एक स्निपेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का कॉन्टेक्ट टाइप जो भी है, उसका नंबर, और उसके बाद कॉन्टेक्ट पेज का लिंक आप ये दोगे और सेव कर दोगे, ये भी हो गया। उसके बाद ये आपका नॉलेज ग्राफ का इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। क्लाइंट का नंबर देंगे ना, क्लाइंट को जिस तरह लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट की होंगी। अगर हमारी वेबसाइट है तो फिर हमारी जो हम ऐड करवाना चाहते हैं, फिर हम ये अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे। क्लाइंट की है तो क्लाइंट के सारा डाटा देंगे, ठीक है, अपना नहीं देना हमने। उसके बाद स्कीमास, स्कीमास पे चले जाओ। स्कीमास में आप और स्कीमास हैं, ये तो हो गया ना आपका, ये सर्च बॉक्स वाला लिंक भी इसने कवर कर दिया और साइट लिंक्स भी कर दिए, बाकी इन्फॉर्मेशन भी इसने कवर कर, और अब जो है स्कीमास के अंदर और क्या चीज है वो, अब वो ये बता रहा है, स्पेशल पेजेस, एम्बेड्स, ये सारी चीजें क्या हैं, अब हम करते हैं इसकी बात। सबसे पहले कह रहा है डब्ल्यूपी हेडर एंड फुटर, डब्ल्यूपी फुटर, आपने ये तो आपका टेक्निकल साइड आ गया, एनेबल, इसको इसको जरूरत नहीं है, आप वैसे चेक कर सकते हो अगर आपने चेक करना है तो। ऑथर, सबसे पहले देखिए ऑथर स्कीमा क्या चीज है, ये देखिए आपकी ये प्रीमियम अवेलेबल है। असल में ये होता है उस चीज के बारे में कि अगर आपकी ब्लॉग के ऊपर एक से ज्यादा लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं तो हर एक का जो है ना वो आपका एक स्कीमा नजर आएगा। ऑथर स्कीमा होता कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ, ऑथर स्कीमा एग्जाम्पल, वो शो कैसा होता है अगर आपने ऑथर मल्टीपल ऑथर्स अगर आपके हैं, एक ऑथर है, ज्यादा ऑथर है, ऑथर एडिटर्स मतलब जो आपके आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हैं आपकी साइट के ऊपर, तो उनका डाटा जो है ना वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर शो हो, तो वो होता कैसे है। मैं गूगल पे जाता हूँ, इमेजेस में जाता हूँ, और इमेजेस में आपको मैं दिखाता हूँ कि ऑथर का स्कीमा कैसा होता है। यहाँ पे ये देखें, नहीं, ब्रांड नेम के लिए ना रैंक थोड़ी है, मैंने मोज टाइप किया, मोज नाम है, तो आपकी वेबसाइट का नाम भी वो टाइप करेगा तो ये सारी चीजें नजर आएंगी, ठीक है, ब्रांडिंग है ना, लेकिन एक और आपका जरा प्रॉपर डिस्प्ले शो करवाने के लिए, ठीक है। तो ये देखें, ये ऑथर है, ये इसका ये आप इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये आर्टिकल बाय बेन होलब्रुक जो है ना उसकी तरफ से आया है, और साथ उसकी इमेज लगी हुई नजर आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने ऑथर्स हैं जो आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हैं उनका डाटा बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में नजर आए, इस किस्म का नजर आए, तो फिर आपको ऑथर बॉक्स जो है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एनेबल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रीमियम में अवेलेबल है तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद आ गया ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, तो ब्रेड क्रम्स क्या चीज है जी, ये एनेबल करने हैं, वो तो आपको पता होगा ये होता क्या है, ये होता ये है, ये गूगल है, यहाँ पे कोई भी चीज अपना यहाँ पे सर्च करो, ये जैसे मैंने सर्च किया है ऑथर स्कीमा एग्जाम्पल, मैंने ये सर्च किया है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूं, ये रिजल्ट आए हैं, देखिए रिजल्ट आ रहा है स्कीमा डॉट ओ आर जी, और ये एक एरो सा बना हुआ है, फिर आर्टिकल लिखा हुआ है। नीचे आप आए मोज डॉट कॉम, ये एरो सा बना हुआ है और एसईओ लर्निंग सेंटर लिखा हुआ है, नील पटेल, आगे ये पाथ बना है ब्लॉग और फिर एसईओ। तो असल में अगर आप ये लिंक ओपन करें तो
ये लिंक इस तरह का है, neilpatel.com/blog/get-started-using-schema, ठीक है। लेकिन गूगल ने कैसे शो करवाया है, पाथ शो करवाए हैं कि जी neilpatel.com के बाद ब्लॉग के पार्ट है, ब्लॉग के अंदर ये जो है ना एक एसईओ की पोस्ट लगी हुई है, एक स्कीमा की पोस्ट लगी हुई है, ये वहां पे ये लिंक ये चीज शो हो रही है। तो ये बजाय आपके सिंपल लिंक शो होने के स्लैश स्लैश के साथ, ये जो ये शो हो रहा है ना, ये एरो शो हो रहे हैं जो पाथ को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये होते हैं ब्रेड क्रम्स जी, कबाब पे लगाते हैं वो भी क्रम्स होते हैं, वो क्रम्स होते हैं, लेकिन ये ब्रेड क्रम्स हैं जो, बल्कि वो भी यही होते हैं मेरे ख्याल है, इसी टाइप की वो चीज उसका नाम है। बहरहाल ये वो नहीं है, ये कबाब पे लगाने वाला नहीं है। तो लेकिन ये काम वही कर रहा है कबाब पे लगाने वाला, कि ये बड़ा ऑर्गेनाइज रिजल्ट शो कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि neilpatel.com/blog/get-started-using-schema ये शो ना हो, बल्कि ऐसा पाथ शो हो ये एरो के साथ, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऑर्गेनाइज लग रहा है, तो आपको ब्रेड क्रम्स एनेबल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये ब्रेड क्रम्स आपका ये वाला काम करेंगे, तो मुझे एनेबल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये मैं एनेबल करूंगा तो मेरे लिंक से भी उस तरह से शो होंगे, तो करने चाहिए एनेबल या नहीं, करने चाहिए तो करके इसको एनेबल मैं सेव कर दूंगा। करने चाहिए थे, बता तो दो यार। चलो मैंने इसको एनेबल कर दिया है, तो ब्रेड क्रम्स आपका लिंक फॉर्मेट है जो गूगल के अंदर डिस्प्ले होता है, ये फॉर्मेट, ठीक है। तो मैंने ब्रेड क्रम्स को भी एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद है ब्लॉग, तो ब्लॉग पे क्लिक कर देता हूँ जी। ब्लॉग में क्या चीज है, अब यहां पे क्या है, ये सारा का सारा पेड है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद है पोस्ट टाइप, मतलब प्रीमियम फीचर अवेलेबल है ये, तो हम प्रीमियम में हम नहीं कर सकते इसको। उसके बाद है पोस्ट टाइप्स, पोस्ट टाइप्स के अंदर क्या चीज है जी, पोस्ट टाइप के अंदर भी सारा का सारा प्रीमियम में है, वो भी नहीं सकते। और आगे भी ये मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं होना इसके अलावा स्पेशल। तो अपने रिजल्ट्स को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज माइंड में रखिएगा। अब है एम्बेड्स, एम्बेड्स क्या चीज है, वो कहते हैं जी वीडियो ऑब्जेक्ट स्कीमा। उसके बाद वीडियो ऑब्जेक्ट्स मेटा, ये तो नहीं कर सकते। ऑडियो ऑब्जेक्ट स्कीमा ये बता रहा है आपको, ऑडियो वीडियो स्कीमा किस तरह का होता है। तो जिस तरह मैंने यहाँ ऑथर स्कीमा लिखा है ना एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ ऑडियो स्कीमा एग्जाम्पल। अगर अब ठीक है, अब ठीक है, मैंने एम्बेड्स पे गया हूं, तो यहाँ पे वॉइस वीडियो ऑब्जेक्ट का एक स्कीमा एनेबल करने के लिए आ रहा है, एक ऑडियो ऑब्जेक्ट का स्कीमा एनेबल करने के लिए आ रहा है। अगर मेरी आवाज आ गई है तो बताएं, मैं इसको आगे आपको फर्दर एक्सप्लेन करूं, बस खत्म होने लगा है, खत्म होते साथ ही हमारा लेक्चर भी खत्म है, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन लेता हूं मैं। आवाज आ रही सही, तो मैं एम्बेड्स पे गया हूँ, एम्बेड्स पे ऑप्शन आ रहा है वीडियो ऑब्जेक्ट्स और आ रहा है ऑडियो ऑब्जेक्ट्स। तो वीडियो ऑडियो ऑब्जेक्ट्स वाला स्कीमा क्या होता है, ये उन साइट्स के लिए जिन पे वीडियोस और ऑडियोस होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑडियो स्कीमा एग्जाम्पल मैं लिख के सर्च करूं और इमेजेस में चला जाऊं, तो मेरे पास यहाँ पे ये देखें कैसा स्निपेट आ रहा है, ये साइट का टाइटल डिस्क्रिप्शन के नीचे ना उसके साइट के ऊपर जो ऑडियोस पड़ी हुई है ना उसके लिंक्स आ रहे हैं। इससे भी ज्यादा अच्छा एक जो होगा वो ये देखें जरा, ये देखें ट्रैक्स आ रहे हैं, उनके मिनट्स ड्यूरेशन वगैरह लिखी हुई है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, यूआरएल डिस्क्रिप्शन है, और नीचे देखो ट्रैक्स और उसकी ड्यूरेशन लिखी हुई है। तो कोई ऑडियो सॉन्ग्स की साइट है, कोई ऑडियो जिसपे ऑडियोज पड़ी हुई है, कोई साउंड है, कोई सॉन्ग्स हैं, कुछ भी है उनकी साइट्स के साथ अगर आपने स्कीमा किया हो, तो कुछ इस किस्म के रिजल्ट्स आप गेट कर सकते हो, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। वो सारा पेड है, ब्लॉग से ऑनवर्ड जुनैरा सारा पेड था, मतलब मैं यहां पे आया हूं आफ्टर ब्रेड क्रम्स, ब्लॉग, पोस्ट टाइप, स्पेशल पेजेस, सब पेड है, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ब्रेड क्रम्स के बाद मैं सीधा एम्बेड्स पे आया हूं, ठीक है। और एम्बेड्स क्या है कि जो ऑडियो एम्बेड्स हैं वो ये हैं कि आपका रिजल्ट्स इस किस्म के आएंगे, अगर ऑडियो साइट है उसके ऊपर ऑडियो ट्रैक्स वगैरह अवेलेबल है,
ठीक है, तो ये आपके सामने इस तरह के आएंगे। वीडियो स्कीमा किस तरह का होता है ये देखें, वीडियो स्कीमा में ऐसा, ये जो आपके पास नजर आ रहे हैं रिजल्ट्स नजर आते हैं, और रिजल्ट्स में होता क्या है कि ऐसे वीडियो भी साथ लगी नजर आ रही होती है, टाइटल डिस्क्रिप्शन यूआरएल वगैरह, और साथ ये देखें ये वीडियो का एक स्निपेट आ रहा है, वीडियो का एक प्रीव्यू आ रहा है, ये आपका वीडियो स्कीम है। ठीक है, तो क्या आप चाहेंगे कि अगर आपकी वीडियो साइट है या आपके साइट पर कोई वीडियो है तो वो इस तरह से डिस्प्ले हो, और अगर ऑडियो ट्रैक्स हैं तो जिस तरह से लास्ट एग्जाम्पल दी वैसे ऑडियो ट्रैक्स आपके डिस्प्ले हो, क्या आप चाहेंगे? अगर चाहोगे तो मैं इसको एनेबल कर देता हूँ, नहीं करना तो इसको नहीं एनेबल करता। अगर आपकी साइट ऑडियो वीडियो वाली नहीं है, है ही नहीं उसके ऊपर कोई, तो फिर आप बेशक इसको कुछ भी ना करो, लेकिन अगर इन केस ऑडियोज या वीडियोज वहां पे कोई कभी यूज हुई है तो फिर आप इसको एनेबल कर लोगे। और आपको मैंने किस तरह से डिस्प्ले होना है मैंने आपको बता दिया, ये ऑडियो वीडियो की एग्जाम्पल है और ऑडियो की एग्जाम्पल आपके पास ये थी जो मैंने आपको यहाँ पे शो की, ऑडियो ट्रैक्स वाली ये वाली, कि ऐसे ट्रैक्स आएंगे। नहीं, जरूरत नहीं है आपको प्रीमियम, इतना एडवांस जाने की जरूरत नहीं है, होना चाहिए ना। तो ये मैं करने लगा हूं, एनेबल एनेबल एंड सेव, मैंने ये दोनों भी जो है ना एनेबल कर दी है। उसके बाद लास्ट एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस्ड का, उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या है। तो इसमें भी हम लोग एडवांस पे क्लिक करेंगे और देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर जी है कुछ भी नहीं, बस एक जनरल सेटिंग बताइए, डिलीट डाटा ऑन अनइंस्टॉल। अगर आप चाहते हैं कि अगर ये प्लगइन डिलीट हो तो सारा डाटा जो आपने कॉन्फ़िगर किया है स्कीमा का वो भी डिलीट हो जाए, तो फिर ये ऑप्शन आपने चेक करना है। तो आप, जाहिर बात है अल्लाह ना करे गलती से भी डिलीट हो जाए प्लगइन, तो ये डाटा डिलीट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप इसको चेक नहीं करेंगे। तो एडवांस पे आपने कुछ नहीं करना और उसके बाद आपने सेव चेंजेस करके इसको वाइंड अप कर देना है। तो असल में स्कीमा मार्कअप क्या है, अपनी जो रिजल्ट्स है ना, सर्च रिजल्ट्स, उसको इम्प्रूवाइज करने के लिए, उसको ज्यादा अच्छा शो करवाने के लिए आप स्कीमाज कर रहे हो। ठीक है, तो सिंपल से अगर प्रिसाइज सी एक छोटी सी बात बताऊं तो वो ये है कि स्कीमा मार्कअप क्यों करते हैं, अपने जो सर्च रिजल्ट्स हैं उनकी अपेयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, प्लस आप डाटा जब गूगल को उसकी लैंग्वेज में दोगे तो उसकी वजह से वो उसको अच्छा समझेगा और अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये एक रीजन थी जिसकी वजह से हमने स्कीमास किए हैं। तो ये प्लगइन आपने करना है। अब ये प्लगइन मैंने यूज किया है, इसमें देखो कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। अगर अब मैं यूज्ड की बात करूं तो यूज्ड में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बड़ी लिमिटेड है। ये एसईओ यूज्ड है, इसके अंदर ये सर्च अपेयरेंस का ऑप्शन आ रहा है, एसईओ यूज्ड जर्नल सर्च अपेयरेंस। सर्च अपेयरेंस में आप चले जाओ, वहां पे ब्रेड क्रम्स और नॉलेज ग्राफ, इसके अलावा और कुछ नहीं नजर आएगा आपको, ब्रेड क्रम्स और नॉलेज ग्राफ। ये देखो, नहीं तो मैं देखता हूं उस पे रिव्यू के लिए कौन सा होना चाहिए, वो भी ओपन कर लेता हूं मैं साथ स्कीमा भी, और मैं आपको बताता हूँ कैसे होना चाहिए। तो यूज्ड के अंदर क्या है जी, यूज्ड के अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है, यूज्ड में ऐसे, यूज्ड में सर्च अपेयरेंस में जाओगे और सर्च अपेयरेंस में ये आपके पास ऑप्शन आ रही है जर्नल, जर्नल के अंदर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, ये नॉलेज ग्राफ स्कीमा जो है ना उसकी ऑप्शन आ रही है। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सन है वो सिलेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन का नाम और लोगो दे दोगे, एक आपसे ये इन्फॉर्मेशन यूज्ड मांगता है बस, और सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपकी है ये ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स में जाके आप इनको एनेबल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे देखो ऑडियो वीडियो साइट लिंक्स, साइट सर्च बॉक्स सब कुछ वहां पे उसने मांगा हुआ था, तो वो ज्यादा डिटेल्ड था, इसलिए मैंने उसको यूज किया और मैंने इसको यूज नहीं किया। ठीक है, तो ये यूज में ना यूज करने की वजह है। अब मैं स्कीमा में वापस आता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ, और जो मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर रिव्यू की साइट होती तो फिर हम कौन सा वहां पे टाइप सेलेक्ट करते हैं, मैं उनका आंसर देने लगा हूँ। जी नया कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो ये मैंने क्लिक करके ओपन किया और यहाँ पे नॉलेजेबल विकी, ऑनलाइन बिजनेस, म्यूजिक पोर्टफोलियो, पॉपुलेशन, न्यूज एंड मैगजीन, ऑनलाइन शॉप, ब्लॉग, हर पर्स, ब्लॉग सेक्शन में ही आएगा जी, बल्कि नहीं ये है अफिलियट और रिव्यूज, नीश अफिलियट और रिव्यूज, ये पूरा एक सेक्शन उसका अलग से दिया हुआ है। तो फिर आप रिव्यूज की साइट है तो फिर आप ये ले लेंगे जी, बिल्कुल प्रेजेंटेशन ऑफ योर पेज जी, आंसर मिल गया आपको रिव्यू का, जो आप सिलेक्शन की बात कर रहे थे तो नीश अफिलियट और रिव्यूज।
कॉपी एडिटिंग डिबेट्स जो है ना, किसी कंपनी के लिए किसी ब्रांड के लिए लिख रहे हो वो चीज लिखनी है आपने। एक तो कॉपीराइट सारे उसी के पास होंगे, ब्रांड कंपनी के पास। दूसरा ये कि वो चीज कहीं और से क्लेम ना की हो, कहीं और से आपने ना उठाई हो, कल को कोई आके ना ये ना कह सके कि भाई ये चीज तो आपने हमारी थी जो कोट कर ली हुई है। ठीक है, तो उसके सारे के सारे राइट्स उस कंपनी के पास होने चाहिए और उनके बारे में बात हो। मिशन स्टेटमेंट एग्जाम्पल एक है। अच्छा, कॉपी एडिटिंग ये तो वही है ना, अगर डिटी कॉपी वगैरह जो भी आर्टिकल वगैरह लिखने हैं उसकी एडिटिंग प्रूफ रीडिंग वगैरह हो सकता है। ये तो उसकी बात कर रहे हो मेरे ख्याल आप। वाल्बिया ने पूछा है कि सर इसमें वो स्ट्रक्चर तो बना नहीं कि कौन कौन से लिंक्स में लिंक नीचे शो हो। आप बात कर रहे हो मोज वाली, कि मोज में जैसे नीचे 6 लिंक नजर आ रहे हैं वो कौन से नजर आए, तो देर इज नो वे टू कंट्रोल दैट। ये बात याद रखें कि क्लाइंट वगैरह आपके पास आ जाए, ये आप ये देख सकते हो कि स्ट्रक्चर जो लिंक्स है वो नजर आए। क्या नजर आएंगे उसमें? पॉपुलैरिटी है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स की बेस पे ये लिंक्स नजर आ रहे हैं। फ्री एसईओ टूल्स अबाउट लर्न मोर बिगिनर गाइड कीवर्ड एक्सप्लोरर ब्लॉग, इसमें क्या नजर आना है? देर इज नो वे टू कंट्रोल दैट। आप सिर्फ एनेबल कर सकते हो, सर्च बॉक्स आए, लिंक्स आए, बस। लेकिन इन लिंक्स में क्या नजर आएगा वो चेंज भी हो सकता है ओवर द टाइम, वो डिपेंड करता है दैट्स ऑन बिग जी। बिग जी मीन के गूगल के ऊपर है वो, कि क्या शो करवाता है वो, पॉपुलैरिटी पे और इन्फॉर्मेशन पे और बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, फिर आपके ये लिंक्स अपीयर हो रहे होते हैं। ठीक है, बाकी भी जिनका जो क्वेश्चन है जी पूछें। अब मैं क्वेश्चन आंसर पे आ गया हूँ। इस लेक्चर के रिलेटेड भी क्वेश्चन है वो भी पूछें, इस लेक्चर से हटके है जो आपके वैसे क्वेश्चन है वो भी पूछें आप। कल अब इंशाल्लाह ताला यूआरएल क्रॉनिकलाइजेशन फेब आइकन ये दो पार्ट और उसके बाद स्पीड की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे, और ये करने के बाद आप कंप्लीट ऑन पेज एसईओ दे सकते हो। ये जो काम है ये लोकल वेबसाइट्स के लिए सिर्फ होता है, ये मोस्टली लोग दे नहीं रहे होते, लेकिन ये एक एडिशनल आप उनके लिए चीज होगी। अब यहां तक करने के बाद भी अपनी सर्विसेज पूरी ये सर्विस बना के ऑफर करना स्टार्ट कर सकते हो। तो स्कीमा मार्कअप अलग भी सेल होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। ब्रोकर लिंक्स के रिलेटेड भी आप चीजें देखोगे। कल मैंने आपको बताया गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल भी अलग से सेल हो रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कीवर्ड सर्च भी होती है, कंटेंट राइटिंग भी होती है, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये भी होती है। तो ये मल्टीपल सर्विसेज बनती है इसके अंदर से भी, और ऑन द होल पूरी भी ऑन पेज एसईओ एक बनती है। फातिमा रैंक हो जाएगी, अब बाकी लोग आपसे बेटर होंगे, इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, कुछ ऑर्डर आएंगे और इंप्रूव हो जाएगी। साइट के मोज में पेजेस के लिंक्स भी आ रहे थे, वो भी आएंगे जी, वो आएंगे, लेकिन क्या आएंगे मैंने बता दिया। ठीक है, कि वो हमें, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो राइटिंग की वीडियो भेजता हूँ जी मैं, हम लिंक्स एनेबल किए हैं इस प्लगइन में। जी, वो लिंक्स एनेबल हुए हैं स्ट्रक्चर डाटा के अंदर, वो कर दिए हमने। सर वो कहाँ चेक करना है आपसे पेजेस के लिंक्स बॉक्सेस का? वो जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है ना, लिंक्स लिंक बॉक्सेस, जो आपके साइट लिंक्स हैं उसके अंदर वो जो सर्च बॉक्स वाली ऑप्शन है वो आपकी दोनों को कंट्रोल कर रही है। तो कर सकते हैं कॉपी पेस्ट कर लें, ब्लॉग पो ब्लॉग पोस्ट का जो कंटेंट है टेक्स्ट है उसको आप कॉपी करके पेस्ट कर लें वर्ड के ऊपर, वहां कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें क्या है। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं वो भी पूछे जी। जमील नहीं यार, मैंने यूट्यूब वगैरह पे नहीं रखा हुआ। मदिया कब मैसेज किया था आपने? क्योंकि आज सुबह 9:30 बजे, 9 बजे, 9 बजे के आसपास तक तो मैंने सारे कर दिए थे। अब वो अबर की थी अकाउंट बनाने की, वो पता नहीं क्यों इतनी छोटी सी वीडियो आ रही है, मैं उसको दोबारा डाउनलोड कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटी सी आ रही है, और जो मेरे पास ही मैं उसे डिलीट कर बैठा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि क्या रीजन आ रही है उसकी, क्या इशू आ रहा है। अप डाउन मामा चलते रहते हैं, अगर आपको जॉब मिल गई तो इंशाल्लाह और इम्प्रूव करेंगे, ये ना मिली तो और डाउन हो जाएंगे। किसने स्ट्रीम पे आना है, कहीं पे आना है, बात सुननी है तो बताएं जी मुझे।
जी, ये प्लग इन प्लग इन जो है ना हमारे बिहाफ पे सब कुछ कर रहा होगा बैकएंड पे। डिजी स्किल्स इज आल्सो कोर्स और इज डिफरेंस इन बोथ कोर्सेज। जमील वहां पे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और साथ तो ऑनलाइन सपोर्ट अवेलेबल है वाया चैट, ठीक है। और जो बंदा जिसने वीडियो बनाई है वो बंदा आपसे वन वन नहीं है। हम ई रोजगार में ये है कि आपके सामने है कि मैं आपको आके करवा भी रहा हूँ और आपके क्वेश्चन आंसर भी दे रहा हूँ, सब कुछ आपको रियल टाइम कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यहाँ पे है। हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर में वो देखोगे क्वेश्चन होगा तो उसको मैसेज करोगे, फिर उसका रिप्लाई आएगा इन चैट। तो ये है चीज। पावर गूगल क्वेश्चंस में ये कि फैक्ट्स बनाएं अपने आर्टिकल के अंदर, फैक्ट्स बनाएं, क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर की लिस्ट बनाएं आर्टिकल के अंदर ही, तो उसमें आपकी जनरल चांसेस हाई हो जाते हैं कि आप गूगल के जो क्वेश्चन नजर आ रहे होते हैं उसमें आप रैंक हो सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर की लिस्ट बनाएं विद इन द आर्टिकल जो भी पोस्ट कर रहे हैं। स्कीमा की सेटिंग के बाद इंडेक्स करना होगा साइट को जितनी जल्दी शो नहीं होगा। निदा बिल्कुल वही, खुद भी हो सकता है, नहीं अगर नहीं तो आप वो जो मैंने यूआरएल इंस्पेक्ट का ऑप्शन बताया था गूगल सर्च कंसोल में उसमें जाके मैनुअली सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल तो आजकल वो नहीं है लेकिन वो अनेबल हो जाएगा दोबारा। व्हाट टू डू इफ वेबसाइट गेट्स हैक्ड? अगर हैक हो जाए तो फिर हमें देखना पड़ेगा इन्फेक्टेड कोड कहाँ पे है। थोड़ा टेक्निकल काम है, एक एसईओ का काम नहीं, अगर आता है तो एक प्लस है, वरना एक डेवलपर का काम है उस कोड को ट्रैक करना और उसको रिमूव करना। प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं जो डिटेक्ट कर देते हैं लेकिन टेक्निकल काम है थोड़ा सा। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आप रिमूव कर सकते हो, उसको ओवरकम कर सकते हो, नहीं है तो फिर डेवलपर का काम है ये। अब वर्क पर प्रपोजल सेंड करना डिटेल से बता दें, मैंने मैं भी पूरी वीडियो बनाई हुई है पर प्रॉब्लम उसका भी यही आ रहा है, मैंने उसको अपलोड किया वो छोटी हो जाती है, उस समझ नहीं आ रही मुझसे, वो मुझे कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। दोनों वीडियोस मेरे पास रेडी हैं, मेरे पास वो जो मैंने आप एक अपलोड किया वो ब्लर हो गई है, छोटी वीडियो हो गई है, और दूसरी प्रपोजल राइटिंग की भी मेरे पास पड़ी है, वो भी मैं अपलोड करता हूँ वो ब्लर हो जाती है। तो मैं उसको देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, वो क्या रीजन बन रही है। मामा आपका रिप्लाई यहाँ पे पूछा आपने, वो नहीं किया। गूगल सर्च कंसोल साइट फेच नहीं कर रहा लेकिन गूगल एनालिटिक्स पे साइट विजिट शो हो रही है, क्यों? गूगल एनालिटिक्स पे तो फेसबुक से भी लोग आएंगे तो विजिट शो होंगे। गूगल एनालिटिक्स पे आप डायरेक्ट भी अगर आप वेबसाइट को ओपन करते हो ना डेली, वो भी गूगल एनालिटिक्स आपका फेच करेगा, उसको देखेगा, ठीक है। तो वो हर तरह की ट्रैफिक को डिटेक्ट करेगा। गूगल सर्च कंसोल में जो साइट मैप सबमिट किया है वो ये बताएगा कि गूगल में सबमिट हुआ या नहीं हुआ, वो उसको उसको बता रहा है आपको। तो अगर फेच नहीं कर रहा तो अभी तक इसलिए नहीं आ रहा, बाकी अगर वो रियल साइट के ऊपर ऐसा इश्यू आया तो फिर प्रॉब्लम है। ये तो मैंने आपको बताया था कि लर्निंग के लिए इसके अंदर प्रॉब्लम है, तो ये तो बस गुजारा है। लेकिन जो हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेना चाहते हैं या जो हम चीजें सीखना चाहते हैं उसके लिए मोर देन इनफ है ये। जी, किसी को कोई क्वेश्चन, किसी ने स्ट्रीम पे आना हो, अली अहमद ने स्ट्रीम ज्वाइन की हुई है लेकिन डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है तो आपको मैं ऐड नहीं कर सकता। बाकी प्लीज अटेंडेंस डेली मार्क किया करें, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सबको कवर करो, सबकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बड़ी ईजी लगेंगी। मैं आपको ये कल परसों ये कंप्लीट हो ले सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, इस एक सर्विस से ही आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। और इसके अंदर टूट के भी बहुत सारी सर्विसेज थी लेकिन ये एक भी है। सुबाहत, मैंने क्वेश्चन मिस कैसे कर रहा हूं मैं? सुबाहत, कैन वी कन्वर्ट ब्लॉग पोस्ट टेक्स्ट इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट? जी, मैंने इसका आंसर कर दिया था, कॉपी पेस्ट कर लें, उसमें कौन सा मुश्किल काम है, ब्लॉग कॉपी करके उसको वर्ड में पेस्ट कर लें। टू रैंक अ साइट ऑन फर्स्ट व्हाट स्टेप्स आर इंक्लूडेड? कंटेंट आपका ऑन पेज और ऑफ पेज, इसके दो पार्ट्स हैं।
ऑन पेज एसईओ के अंदर आप टेक्निकली जो मैं काम कर रहा हूँ ये देखते हो, प्लस आपका कंटेंट बेस्ट अप टू मार्क होना चाहिए। ऑफ पेज में आप वेब प्रेजेंस बनाते हो, आप अपने लिंक्स को, अपनी ब्लॉग के आर्टिकल्स को, पोस्ट को, लिंक्स को आप ऑल ओवर द वेब रेलिवेंट साइट्स के ऊपर प्रमोट करते हो, मतलब वहां पे मेंशन करवाते हो, वहां पब्लिश करते हो। फिर गूगल जब डिफरेंट साइट्स पे जा रहा होता है और आप उनको नजर आ रहे होते हैं रेलिवेंट साइट्स पे, तो वो कंसिडर करता है कि उन साइट्स पे अगर मेंशन है तो उन साइट्स ने आपको मेंशन किया हुआ है, और वो साइट्स खुद किस कैसी हैं वो ये देखता है। अगर वो साइट्स खुद अच्छी अथॉरिटी की हैं तो वो उसके उसकी जो उस मेंशन को बड़ा सीरियसली लेगा और आपकी साइट को जो है ना वो उसको क्रेडिबिलिटी ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा। स्लोली 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 आपकी जब क्रेडिबिलिटी अच्छी बन जाएगी, वेब प्रेजेंस अच्छी बन जाएगी, तो वो आपको अच्छा रैंक करना स्टार्ट कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस यही है, लेकिन ये टाइम लगता है इसमें। टेक्निकल काम जरा जल्दी हो जाता है, ऑफ पेज जो सी है वो लॉन्ग टर्म ऑनगोइंग काम है। हाउ टू शो योर रैंक क्वेश्चन, अच्छा ये तो हो गया था जी, हो गया क्लियर जी। प्रोडक्ट स्कीमा भी होते हैं, जी हम चेक भी कर सकते हैं निदा के साइड कैसे रैंक हो रही है और कैसे नहीं हो रही। उसके लिए मैनुअल चेक भी हो सकता है, आप कीबोर्ड लगा के गूगल पे जाके चेक करें, जाओ पे करें, बिंग पे करें, और टूल्स भी अवेलेबल है उसके थ्रू भी हो सकता है। सिर्फ टूल्स का वेट कर लें 1-2 दिन, मतलब कल परसों अगर ना हुआ तो मंडे को तो मस्ट है। मैं इसको करने के बाद आपको डिफरेंट टूल्स शेयर करूंगा जो टेक्निकल ऑडिट्स करते हैं, ताकि आप बिफोर ऑडिट रन करके क्लाइंट को दिखा सको, फिर आफ्टर आफ्टर डूइंग ऑल वर्क फिर दोबारा एक ऑडिट रन करके दिखा सको, ताकि उसे पता लगे बिफोर आफ्टर रिपोर्ट का। हाउ टू प्रैक्टिस जमील, मैंने साइट्स बनवाई हुई है, मैंने मैंने अवार्ड स्पेस ट्रिपल जीरो वेब होस्ट एक है वेबसाइट, उस पे फ्री में वेबसाइट और डोमेन बनवाई हुई है सबकी। तो जो मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ ये भी वही 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 वाली वेबसाइट है जो हमने फ्री में क्रिएट की है, तो हर एक के पास उसकी अपनी वेबसाइट है जो क्रिएट करवाई हुई है मैंने। प्रैक्टिस करें, उसके बाद इसी सेम ट्रिपल जीरो वेब होस्ट पे एक और अकाउंट, एक और साइट भी बन सकती है, वो बना लें ठीक है, या नहीं मिल से नहीं बनना के उस पर टोटल A to Z आप सारी जो प्रैक्टिस कर लें। आपने कहा था कि आर्टिकल का को वर्डप्रेस पे पिक्चर एम्बेड करके करना की जरूरत नहीं है, आर्टिकल के लिए तो वर्ड पे भी कर सकते हैं, लेकिन सर वर्ड पे पिक्चर की एसईओ कैसे होगी? ओमामा वर्ड पे एसईओ करने की जरूरत ही नहीं है, एसईओ तो तब करनी है ना जब वो लाइव होगा ठीक है। वर्ड के अंदर आपने रख के दे दी पिक्चर, कोई मसला नहीं है, रीनेम करके दे सकते हो, वो सेव करेंगे तो उसी नाम से सेव हो जाएगी। इमेज की ऐसी तब होगी जब लाइव होगा, बल्कि हर चीज आप बेशक हेडर्स भी ना लगाओ वर्ड के अंदर, वो उसका फायदा या उस नुकसान या उसका जो भी आपको एडवांटेज मिलना है वो तब मिलना है जब वो लाइव होना है, जब आप उसको रैंकिंग करने की तरफ जा रहे हैं, वरना वर्ड पे पड़ी रहे उस पर कोई मसला नहीं। मेरे फर्स्ट पैराग्राफ में कीवर्ड यूज किया है बट यूज कह रहा है कि नहीं कह रहा, ये सॉफ्टवेयर इशू है। अरसलान अगर आपने यूज किया आपको नजर आ रहा है तो बोर्ड कैन बी रॉन्ग, यू कांट बी रॉन्ग, इसलिए ना हमें यूज करना है उनको, लेकिन उनपे 100% भी ट्रस्ट नहीं करना, वो तो एक गिवन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, तो नॉलेज शुड बी फर्स्ट। तो नॉलेज अपना आपने देखना है, क्या मैं देख रहा हूँ कि सामने यूज हो रहा है, टूल कह रहा है नहीं हो रहा, तो भाई जब मुझे नजर आ रहा है तो फिर टूल की नहीं मानूंगा, मैं अपनी बात देखूंगा। और प्लीज एक दूसरे को हेल्प आउट करें, जो जो लोग आपसे हेल्प मांग रहे हैं जी, मोस्ट वेलकम से बात। तो हेल्प आउट करें एक दूसरे को, और पोस्ट भी मैं अप्रूव कर दिया करूंगा जो रह गई है कल की, बाकी प्रैक्टिस करें इन चीजों की। कल या परसों दोबारा फिर एक फ्रीलांसिंग पे एक दफा दोबारा आएंगे और फिर हम आगे चलेंगे। मेरा इनबॉक्स वाला मैसेज इग्नोर कर सकते हैं, आपने मेरा आंसर यहीं कर दिया है, चलो गुड हो गया। प्राइवेट चैट चेक करूं जी मैं, तो फिर प्राइवेट तो नहीं ना रहेगी, सामने नजर आ जाएगी। अगर किसी के लेक्चर मिस हो जाए तो देखने के लिए कोई तरीका है? अली अहमद को अनफॉर्चुनेटली कोई वे नहीं है यार, अगर होता तो मैं जरूर बताता, अवेलेबल होती ठीक है। और सिर्फ द ओनली वे जो अभी के लिए जो वे नजर आता है वो यही है कि आप अपने ग्रुप फेलो से हेल्प लें, जहां पे कोई कंफ्यूजन आ रही हो तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको उसमें हेल्प आउट कर सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल A to Z दोबारा से बताना एक तरह टफ है। शहबाज 2 मंथ में भी साइट रैंक हो सकती है, 6 मंथ भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, डिपेंड करता है कंपटीशन, साइट की नीश कौन सी है, किस कैटेगरी की साइट है, कंपटीशन वहां पे क्या है।
रैंक जल्दी नहीं, हम लोग सीधे सीधे कमिटमेंट करते हैं, हम बता देते हैं भाई ये चीज इतने अरसे में हो सकती है, इससे पहले नहीं हो सकती। हाँ प्रोग्रेस नजर आना स्टार्ट हो जाएगी वो विद इन 4 to 6 वीक्स, जब आप स्टार्ट करते हो कंटेंट कर दिया, ऑन पिच कर दी, अब आपने इस पे काम स्टार्ट किया, पहले 4 6 वीक में आपको उसको कुछ ना कुछ नजर आना स्टार्ट हो जाएगा कि कीवर्ड जो है वो टॉप 10 पेजेस के अंदर मूव करना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ मूव कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, और ओवर द टाइम जो है ना प्रोग्रेस रेगुलरली आ रही है, फिर स्लोली स्लोली फर्स्ट पेज को हिट करते हुए टाइम लगेगा। चलें जी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर कल बात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।